मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? वी आर लाइव नाउ, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेस्ट बुक। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन देंगे। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन दो यार। इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी फास्ट, एम आई ऑडिबल, इज इट विजिबल? हेलो दीपो। सभी बच्चे बेटा सेशन को एक बार बहुत तेजी से शेयर एंड लाइक कर देंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोगों के लिए एकदम मस्त वाला तरीके का सेशन है गाइज, और एकदम मचा देंगे भाई अपन इस तरीके का सेशन है। तो गुड आफ्टरनून सुमन, हेलो विकास, गुड आफ्टरनून सावन, हेलो थम्पालिका थोम्बारे। तो गाइज आज का जो मेरा सेशन है ये कुछ इस तरीके का सेशन है कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों का मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम है। सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज परचेस की है कल रात में, क्या बात है अनुज सिंह, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून सौम्या, गुड आफ्टरनून महेंद्र, गुड आफ्टरनून शीतल। तो गाइज आप सभी को बता देता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आपकी किस चीज के रिगार्डिंग है। तो आप सभी बच्चों को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आपका एक एग्जाम है राइट, और वो एग्जाम है आपका मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। तो जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनका मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम जो है वो 21 और 22 तारीख को है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का रोज तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराता हूं, और आपको बता देता हूं बेटा इंडिया के बेस्ट एईजेई इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसको बेस्ट आप लोगों ने बनाया है क्योंकि पिछले पौने दो साल के अंदर हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एग्जाम हमारा डीएफसीसीआई हो या DSSSB, RVNL हो या RSMSSB, SSCJEE हो या फिर बेटा हमारा एग्जाम हो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, PGCIL का डिप्लोमा ट्रेनी हो या फिर हमारा एग्जाम हो NHPC और सेल का, बेटा मेरे इन्हीं सेशनों से, मेरे हमेशा के सेशनों से हर दिन हम लोग मिलते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मंडे से फ्राइडे, और सैटरडे संडे हम लोग मैराथन के लिए मिलते हैं जैसे आज में मिले हैं। तो मेरे इन्हीं सेशन से आपको हर एग्जाम में 80% से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इस बार जिन एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूं वो हमारा है DRDO, वो हमारा मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, वो एग्जाम है हमारा वेस्ट बंगाल PSC, वो एग्जाम है हमारा महाजैन को AJEE, वो एग्जाम है हमारा PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी, और वो एग्जाम है हमारा दैट इज कॉल्ड यूपी मेट्रो। तो इतने एग्जाम्स को हम एक साथ टारगेट कर रहे हैं, और मैं आपसे ये वादा करता हूं ठीक है कि बेटा आपके हर एक एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आपके साथ रहूंगा, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो बेटा सारे बच्चों के एग्जाम सेंटर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद किसी एक आध बच्चे के एग्जाम सेंटर पे डेफिनेटली उसको वहां तक मिलूंगा। तो बस इतना ही बोलता हूँ कि गाइस मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, हर दिन मेहनत कर रहा हूँ ठीक है, हर दिन आपके लिए कंटेंट डिजाइन कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके का। आप लोगों से बस एक गुजारिश है, क्लियर, आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि आप लोग रेगुलर रहें बस, और कुछ भी नहीं। तो आज मेरा मूड ये था कि रात को जब मैं कल क्लास ले रहा था आप लोगों की, तो मेरे मूड में ये था कि कल मैं ना आप लोगों को दिन में एक ऑफिशियल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे एक ऑफिशियल पेपर है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर का है ना, ITITO का 2016 का ऑफिशियल पेपर है। और इस पेपर को सॉल्व करने से हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के नए क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। तो पेपर के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन है, 75, उन 75 क्वेश्चन को एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, और फिर हम उनसे समझेंगे कि किस तरीके से और नए क्वेश्चन भी यहाँ से डिजाइन किए जा सकते हैं ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये बताऊंगा, ये मेरा आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात, जो बाकी के बच्चे हैं, आप जैसे कोई बच्चा बोलेगा मैं सर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी तो मैं नहीं करना चाहता हूं, मतलब मैं हूं ही नहीं उसमें, तो सर मैं क्या करूं फिर, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पेपर के अंदर आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा, जो कि एक ऑथेंटिक डेटा आपको मैं देने वाला हूं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सेशन को इतना तेजी से शेयर कर देना, ये हमारा अंतिम वार है हमारे एग्जाम के लिए, और हमारे बाकी एग्जाम के लिए तो हम नेल्ड कर देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो सेशन को शेयर कर देना बस एकदम तेजी से। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद गाइज आप सभी बच्चे मेरी वीडियो तो देख ही रहे होंगे। हाँ सर आपकी वीडियो हम बिल्कुल देख रहे हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइएगा। आज हमारा सेल चल रही है गाइज, और ये विंटर सेल जो है वो उसका अंतिम दिन है आज, और विंटर सेल का ये अंतिम दिन है। तो जब आप नीचे जाते हो, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप नीचे की तरफ जाते हो, तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे लिखा रहता है AEE & JEE विद सुपर कोचिंग बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। तो अगर आप बेटा जो भी बच्चे यहाँ पे DRDO और मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा अंतिम गुजारिश है ये कि बेटा आज एक बार DRDO के लिंक पर क्लिक कर लेना। जब आज आप DRDO के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था।
अगर आप इलेक्ट्रिशियन ब्रांच के हो तो बेटा हमने आपको यहाँ पर एक बैच, मेरी क्लास यूट्यूब वाली तो आपको करते ही रहना है, लेकिन मेरी जो क्लास है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मेरा एक बैच ये वाला मिलता है और एक ट्रेड थ्योरी वाला बैच मिलता है। ये दोनों बैच पढ़ के ही पेपर में देने जाना, एटलीस्ट अगर आपके पास अब ये वाला समय नहीं है ज्यादा तो कम से कम ये ट्रेड थ्योरी वाला बैच जरूर पढ़ के जाना। देन अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल में अगर आपका कोई टॉपिक वीक हो तो बेटा हमने आपको नॉन टेक्निकल का बैच भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप प्लीज गाइस नॉन टेक प्रॉपर तरीके से अपना एग्जीक्यूट करें। देन अगर हम बात करें तो बेटा इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे कि निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स अकेडमी, वी के नॉलेज, इलेक्ट्रिकल सॉलिट्यूड इंस्टीट्यूट, जैसे सारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टेंट भी अब आपको यहीं पर मिलता है। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर स्ट्रेटेजी सेशन मेरा प्रोवाइड किया जाता है, रेगुलर मेरा ये स्ट्रेटेजी सेशन रहता है गाइस। देन अगर हम बात करें ठीक है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है सारी एग्जाम्स की, और इसका प्राइस बेटा इतना कम कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। मार्केट में इतनी की ना किताब मिलती है और उस किताब में आपको इंडिया का सबसे बेस्ट ऑथेंटिक कॉन्टेंट मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो अब आप सोच सकते हो कि इसकी प्राइस कितनी कम कर दी है। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जिसका सिर्फ 998 रुपीज कॉस्ट है, और उसमें भी 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी आज विंटर सेल में, तो यार जिन बच्चों ने नहीं लिया वो ले लेना। और अगर आप चाहते हो तो थोड़ा और कम कर दो तो बेटा यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है मोहित के, जब आप ये मोहित के नाम का कूपन कोड अप्लाई करोगे तो तुरंत ये वापिस से कितना हो जाएगा 928 का हो जाएगा और फाइनल प्राइस इसकी 928 हो जाएगी। ठीक है चलो, तो हम आते हैं अपनी क्लास के ऊपर वापिस से और बढ़िया तरीके से धूम मचा देते हैं। सर आपकी क्लास में फुल एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू, क्या बात है धर्मपाली का, लव यू। खुशबू गुड आफ्टरनून, अपूर्व गुड आफ्टरनून, प्रज्ञा, चलो तो भाई मचा देते हैं अपन आज एकदम दिल खोल के, क्या बोलते हो, दिल खोल के एकदम मचा दें। सर दिल को क्यों खोल रहे हो सर, हमारा तो कोई और खोल के चला गया, आप क्यों खोल रहे हो सर। चलो भाई नहीं खोलता बस, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, चलो मत बताओ, स्टार्ट करते हैं ठीक है। चलिए तो ये आपके सामने बेटा मेरा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये ऑफिशियल पेपर है, आप लोगों को सबको आई थिंक विजिबल होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तो आई थिंक आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिले। ठीक है तो ये आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल गई होगी, ठीक है ये आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल गई होगी एक एक क्वेश्चन की। ठीक है चलिए सर, अभी एग्जाम है तो सर आपका मेजरमेंट एंड नेटवर्क का बैड होगा सुपर कोचिंग में, अपूर्व बेटा मैं लगा हुआ हूँ उस चीज के लिए है ना, आज भी रिकॉर्डिंग करूंगा पर वही है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कैसे करूँ, तू मेरे को देखते ही दिन भर में है ना। बाकी तेरे एग्जाम कब है, तेरा जब एग्जाम होगा उसके पहले तक तो ऐड हो जाएगा, महाराष्ट्र ट्रांसफर की बात जिनको की बात कर रहा हूँ उसके पहले ऐड कर पाता। चलिए तो यहां पर बेटा ये ट्रेनिंग ऑफिसर का लास्ट टाइम का पेपर था, आज मेरा जो क्लास मेन मोटिव वो ये है कि हम इस पेपर को ऑफिशियली पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद हर एक क्वेश्चन से और कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन लोग देखेंगे। ठीक है चलिए तो अब यहाँ पर और आप ये भी देखिएगा कि बेटा आप कितना नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है तो आप देखेंगे शुरुआत का जो ये 25 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के, तो अपन इनको हटा देते हैं और अपन अपने काम पे चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 26 से। अपना आज का टारगेट है इन 75 क्वेश्चन को अपने को पिक करना है। ठीक है चल इन 75 क्वेश्चन को अपने को पिक करना है। चल चलिए ठीक है चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यहां पर ये आता हुआ, यहां से अपना बेटा इलेक्ट्रिशियन वाला पार्ट चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता हुआ, इन द केस ऑफ फायर वी यूज है ना, इन द केस ऑफ फायर, इस बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए इन द केस ऑफ फायर, आग के जलने पर, जैसे मान लो कहीं घर में किसी के शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर कहीं घर में है ना, मैं भी सर के नेटवर्क का वेट कर रही हूँ, ओके सुष्मिता गुड आफ्टरनून ऋषिका, अगर कहीं मान लीजिए बेटा गलती से बिजली की वजह से आग लग गई, तो जो आग बुझाने का काम है, देखो आग लगने के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आग बुझेगी तो बुझेगी कैसे है ना, तो आग बुझाने का जो काम है उसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसमें कौन सी गैस यूज होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग से लगी हुई है ना, है ना, है ना, आग से लगी हुई है ना, आग से लगी हुई, सॉरी आग क्या बोलते हैं, बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इतना मैं जानता हूं, इस क्वेश्चन को इंडिया का हर एक बच्चा कर देगा। ठीक है ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखेंगे बेटा अपन लोग, द फॉलोइंग स्टार्टर ठीक है विल हैव बेटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो 5 HP ऑफ इंडक्शन मोटर। सवाल क्या है बेटा, एक इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर होता है, एक इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर होता है, ठीक है एक इंडक्शन मोटर में बेटा कौन सा स्टार्टर होता है, लॉजिकली समझना है आपको है ना,
एक इंडक्शन मोटर में वो कौन सा स्टार्टर होता है, इस क्वेश्चन का क्लू क्या है आपको बेटा मोहित सर की क्लास में। अब देखो ये पेपर तो आज मैं पहली बार है ना ये पेपर तो आज मैं पहली बार आपके सामने करवा रहा हूँ, राइट। तो ये आपको भी पता है ना, पहली बार ही आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। और आपको भी पता है कि मेरा पढ़ाया हुआ इसमें कितना आया। अब आप ये देखो, बस आज तक आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये देखो कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो बेटा एक फॉलोइंग स्टार्टर जो है वो 5 HP से बिलो पर कौन चलता है, तो बेटा बच्चा बच्चा जानता है कि 5 HP से बिलो पे अगर आपको काम करवाना है, अगर आपको 5 HP से बिलो पे काम करवाना है तो आप DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की तरफ चाहिए। अगर आपको 5 HP, दिनेश बेटा क्या हो गया मैंने दोनों पेपर कर लिए तो क्या हो गया, तो फिर क्या करें, फिर अपन क्या करें, अपन दोनों पेपर कर लिए तो बेटा अपन क्या करें, तो बता तू, ये भी तो मैं क्या करूं। पूरा बन जाएगा श्वेता, 11 टू 12 के आप अगर सारे कॉन्सेप्ट कर लो तो आपसे पूरा पेपर बन जाएगा। गुड नून गुरबान, चलो। तो बेटा फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव द बेटर स्टार्टिंग टॉर्क बिलो 5 HP, तो 5 HP से कम पे, 5 HP से कम के लिए। और दिनेश बेटा आपने कैसे कर लिए पूरे दोनों पेपर, मैं बताऊं आपको, आपने उठाए दोनों पेपर, बोलो हाँ, आपने उठाए दोनों पेपर, बोलो हाँ, और दोनों के आंसर 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 देख लिया, आप बोलते पूरे पेपर कर लिए, ऐसे नहीं होता भैया, है ना, ऐसे नहीं होता। चलो तो बेटा याद रखना, अगर हम लोगों को 5 HP से बिलो के लिए यूज करना हो, अगर हम लोगों को 5 HP से बिलो के लिए यूज करना हो, 5 HP से बिलो के लिए यूज करना, तो हम लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है। अब आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। एक एसी सप्लाई की अगर हम बात करें, एक एसी सप्लाई की बात करें, एसी को कन्वर्ट किस में करते हैं, डीसी में, है ना। तो बेटा याद रख लो आज से, क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, रेक्टिफायर का। किसका काम है बेटा, रेक्टिफायर का। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बनेंगे बताता हूं। कल को आपसे ये पूछा जा सकता है एक डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम किसका हो गया, इन्वर्टर का। किसका हो गया, इन्वर्टर का। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो डीसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये करते हैं बेटा चॉपर से। किससे करते हैं, चॉपर से। तो ये तीन चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड व्हेन, एक स्क्वायर थ्रेड कब यूज करते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या चीज होती है, थ्रेड मतलब होता है बेटा चूड़ियां। जब आप वायर में देखते हो बहुत बार, तो वायर में हम लोग चूड़ियां बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे करके चूड़ियां बनाई जाती हैं वायर में, बनाई जाती हैं, हाँ सर, जिसको थ्रेडिंग बोलते हैं। तो याद रखो आज से कि स्क्वायर थ्रेड जो होते हैं, आज तक मैंने आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ाया, मुझे पता है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा मान लिया मैंने कि ये क्वेश्चन बेटा एक मैंने ऐसा मान लिया कि ये क्वेश्चन मैंने आज तक आपको नहीं पढ़ाया, राइट। तो इस क्वेश्चन को अपन रोक के रखते हैं भाई कि ये क्वेश्चन अपन ने आज तक नहीं पढ़ा था। लेकिन क्या हमारा यही क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन दिलवाएगा, नहीं। हमारे पास 75 क्वेश्चन है, हमें टारगेट कितना रखना है अपना, 70 क्वेश्चन का। तो देखते हैं अपन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर थ्रेड जो होते हैं बेसिकली वो क्यों यूज किए जाते हैं, तो आज से आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर थ्रेड जो होते हैं ये सर्कुलर थ्रेड यूज किए जाते हैं लो लोड के लिए, और स्क्वायर थ्रेड यूज किए जाते हैं हैवी लोड के लिए, ठीक है। हैवी लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, Which one of the following statement is true for UJT? तो UJT के बारे में तो मैंने आपको दुनिया की सारी चीजें पढ़ाई है बेटा, है ना? दुनिया की सारी चीजें मैंने आपको UJT के बारे में पढ़ाई, आज तो पॉसिबल नहीं है बेटा केविन, है ना, दुनिया की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। आई थिंक आवाज सबको प्रॉपर क्लियर ही है, सबको प्रॉपर क्लियर है ना आवाज, आवाज प्रॉपर क्लियर है सबको, गुड। चलो तो यहां पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूजेटी, यूजेटी मतलब होता है बेटा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पहला क्वेश्चन तो यूजेटी से निकल के आता है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो ये हो गया यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यूजेटी के बारे में, तो यूजेटी का जो सिंबल होता है वो बेटा कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको, यूजेटी का जो सिंबल होता है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ से ये टेढ़ा होता है, ठीक है। ये आपका यूजेटी होता है, जिसमें आपका यहाँ पे ये इमीटर वन होता है और यहाँ पे इमीटर टू होता है, और ये बेसिकली आपका क्या होता है, बेस। इसको आप लोग बोलते हो यूजेटी। तीसरा पॉइंट यूजेटी के बारे में याद रखना, ये आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जब मैं यहाँ पे यूट्यूब पर बोलता था कि मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में इस लेवल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना, ओके दीपू, इस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बच्चा बोला था इतना टफ आता है,
तो कार देते, लॉलीपॉप देते, 5 रुपए 5 रुपए 5 प्लस 5 10 होता है, ऐसा पेपर देते क्या? आता है भैया, देखो तुम्हारे सामने पेपर है, इसलिए पढ़ाता हूं। अब ये कहां से किसको डिप्लोमा लेवल का पेपर नहीं लगता है, है? चलो तो अगर एक यूजेटी की बात करेंगे हम लोग, तो यूजेटी के अंदर याद रखना क्या याद रखोगे, एक यूजेटी को टर्न ऑन ग्रेजुअली नहीं, एक यूजेटी एक्ट लाइक अ एनपीएन ट्रांजिस्टर, कभी जीवन में नहीं, लेकिन एक यूजेटी को हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग वीबीबी टू जीरो, क्योंकि ऊपर के दोनों गलत हो गए, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक यूजेटी को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, कब? बेस टू बेस वोल्टेज को जीरो बना के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय, तो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है। अगर मैं बोलूं V1 अपॉन V2 तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और V1 अपॉन V2 ही मेरा क्या होता है, N1 अपॉन N2 होता या नहीं होता? हाँ सर। और वही मेरा I2 अपॉन I1 भी होता या नहीं होता? हाँ सर। अब ये तीनों के तीनों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, चाहे आप N2 बाय N1 बोल रहे हो तो आप V2 बाय V1 भी बोल सकते हो, तो आप I1 बाय I2 भी बोल सकते हो, तो ये दो कोड़ी का सवाल हो गया, ये दो कोड़ी का सवाल हो गया। यस हर्षिता, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, है ना, ये क्वेश्चन मेरे क्लासरूम का एज इट इज क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने करा हो तो, मेरे क्लासरूम का एज इट इज क्वेश्चन है ये, अगर आपने करा हो तो, कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा नियम बना है, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कौन से नियम से बताई जाती है। तो सबसे पहले तो अगर बेटा आपके पास वायर अवेलेबल हो और इस वायर में अगर करंट जा रहा हो तो आप अंगूठा लगा के मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन पता कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थंब रूल, क्या बोलते हैं इसको, थंब रूल, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, थंब रूल बोलते हैं इसको, थंब रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको थंब रूल बोलते हैं। और अगर आपसे बोला जाए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइंड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ है राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, क्योंकि राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल को ही थंब रूल बोलते हैं। अब मुझे पता है आप में से काफी बच्चे सी बोल रहे होंगे, ये दोनों गधे हो सबके सब, क्यों? क्योंकि बेटा राइट हैंड थंब रूल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताता, ये बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताता, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझो थोड़ा टेक्निकली, तुम्हारा कहने का मतलब ये है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है भाई, मैं तुमसे पूछूं, मैं सुनना मेरी बात को, मैं तुमसे पूछूं चूड़ी की दुकान कहाँ है, क्या पूछूंगा, चूड़ी की दुकान कहाँ है, तो तुमने बोल दिया वो सामने जो दुकान है ना किराने की, वहां पे चूड़ी भी मिलती है, तो क्या मैं उस किराने की दुकान वाले को चूड़ी की दुकान बोलना चालू कर दूंगा? नहीं। भले ही किराने की शॉप पर अंकल जी ने चूड़ी रखना भी चालू कर दिया, बट इसका मतलब वो शॉप हमेशा किराने की शॉप से ही जानी जाएगी, उसको कभी भी चूड़ी की दुकान नहीं बोलते। समझ में आ रहा है क्या बोला? अगर मान लीजिए किसी किराने की शॉप के ऊपर, किसी किराने की शॉप के ऊपर समोसे मिलने लग गए, सपोज उन्हें रख लिए साइड में, बट कोई भी अगर आपसे पूछेगा समोसे की दुकान क्या है, तो आपका फोकस वही जाएगा जहां पे एग्जैक्ट समोसे मिलते हैं, ना कि किराने की शॉप पे ध्यान जाएगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड रूल में ये वाली जो उंगली होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है, बट लेफ्ट हैंड रूल जाना जाता है फोर्स डिटरमाइन करने के लिए। राइट हैंड रूल में ये वाली उंगली जो होती है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की होती है, लेकिन राइट हैंड रूल जाना जाता है ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए। और राइट हैंड थंब रूल के अंदर बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती ही है, इसीलिए बेटा इसका सही आंसर ये वाला, ये कुछ मैंने क्लास में करवाया है। लेकिन मध्य प्रदेश सब इंजीनियर ने हुआ क्या, वो एक नंबर का गधा, क्यों? पहली बार उसने आंसर शीट में यही दिया था, हमारे यहाँ के बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर दिए। अब वो जो ऑब्जेक्शन चेक करने वाला था वो और गधा था, उसने वो उसको दिमाग लगा लिया, हाँ ये भी मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो गधा है वो, क्या है ये, गधा है ये, गलत दिया हुआ है। अब की बार आए चैलेंज तो मैं बताता हूँ, तब की बात अलग थी 2016 की, अब की बार करे ये तो मैं बताता हूँ चैलेंज क्या होता है, अब की बार ऐसा आंसर देके दिखाइए, नई कसम से मैं वहां पे पहुंच जाऊं और किताब लेकर मैं तो बताता हूँ, अब की बार देके दिखाइए आंसर, और देखता हूं कौन वेरिफिकेशन करता है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैपेसिटर इज प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट, एक हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में कौन सा कैपेसिटर प्रेफर करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, है ना, सर आपका सोलो क्लास कब आएगा, तथागत भाई आज अपन फोन पे बात करते हैं, बेटा 4:30 बजे में तेरे से कॉल फोन पे बात करता हूँ, तू लोड मत ले, ठीक है, 4:30 बजे में तेरे से फोन पे बात करता हूँ, तू लोड मत ले, ठीक है। चलिए तो कौन सा कैपेसिटर ऐसा बेटा जो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए यूज करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए, तो याद रखना एयर कैपेसिटर कभी नहीं करते, इलेक्ट्रोलाइट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं अपने घर वाला,
बट माइका कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे। और बेटा आंसर दिख जाए ना दिख जाए से मतलब नहीं, थोड़ा अपना ब्रेन को भी उपयोग करो, है ना। चलो, द मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर सकती है? तो बेटा मैग्नेट अट्रैक्ट किसको करती है? तो एक चुंबक जो होता है, एक चुंबक जो होता है वो अट्रैक्ट करता है किसको? एक चुंबक जो होता है वो अट्रैक्ट करता है किसको? अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। किसको अट्रैक्ट करता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं फेकोनाई। कौन से होते हैं? फेकोनाई। ये याद रखो, फे मतलब होता है आयरन, को मतलब होता है कोबाल्ट, एन मतलब होता है निकल। अब यहाँ पे देखो, इसमें एल्यूमिनियम है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें जिंक है, ये होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा क्या? निकल, कोबाल्ट और स्टील। अब आप बोलोगे सर आपने कोबाल्ट के साथ आयरन लगाया, तो बेटा स्टील जो है वो भी बेसिकली बनाया जाता है कैसे? स्टील जो है वो भी बेसिकली बनाया जाता है किससे? ये बनाया जाता है सर, ये मुकाबला वाला स्वेटशर्ट, स्वेटशर्ट टेक्स्ट बुक दिया, मुकाबला वाला स्वेटशर्ट टेक्स्ट बुक नहीं, नहीं भाई मुकाबला वाला टेक्स्ट बुक नहीं दिया है, ठीक है। चलो अपूर भाई मेरा फोकस कब से क्वेश्चन है, स्टील भी होता है, हाँ। तो स्टील बेसिकली गाइस याद रखना कि स्टील हमारा बेसिकली क्या है? हमारा कंपाउंड है किसका? आयरन का, इसलिए वी शुड गो फॉर स्टील ऑल्सो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 95% कार आयरन, 5% कार्बन। क्या बात है केविन भाई, लव यू, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखो। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमसे बन गया, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अच्छा, यहाँ से एक नया क्वेश्चन और क्या आ सकता है? नया क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है यहाँ से कि परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो बेसिकली काय से बनाई जाती है? परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो बेसिकली काय से बनाई जाती है? मटेरियल कौन सा होता है? परमानेंट मैग्नेट का मटेरियल है गाइस एल निको। क्या है? एल निको। बस याद रखो, निकल और कोबाल्ट के अंदर अगर हम एल्युमिनियम बना दे तो परमानेंट मैग्नेट का बेस्ट मटेरियल है। यस फोमन, डीआरडीओ टेक्निशियन एक थ्योरी की क्लास है क्या? सब अवेलेबल है, अगर आप लोग रेगुलर क्लास देखें तो सब अवेलेबल है, ठीक है, सब अवेलेबल है। बेटा देखो क्या होता है, जैसे मान लो, है ना, मैं बताता हूँ एक चीज का ध्यान रखना, है ना। जैसे कि मान लो एक बार की बात याद है, मैं हिमाचल गया था, ठीक है, घूमने के लिए गया था। तो जब मैं हिमाचल घूमने के लिए गया था, मेरा फर्स्ट टाइम था घूमने के लिए, है ना। तो मेरा जो घूमने का मन था वो था कि भाई मैं वहां पे एक खीर गंगा की ट्रैकिंग होती है वो कर लूंगा, ठीक है, ऐसा ऐसा मेरा मन थे कि मतलब आप जा रहे हैं तो क्या करके आएगा, ठीक है। तो खीर गंगा की ट्रैकिंग करूंगा, कसौल जाऊंगा, मनाली जाऊंगा, ठीक है, ये दो तीन जगह जाने का था। अब बात आती है, जब मैं गया तो अपने को, अपने जीवन में तो कभी ट्रैकिंग करी नहीं, तो अपने को मालूम नहीं, है ना, अपने को मालूम था नहीं कि अपने जीवन में ट्रैकिंग करी। तो भाई सामने वाला जैसा जैसा बता रहा है वैसा वैसा अपन कर रहे हैं, और नहीं तो फिर अपन क्या है, अगर अपन अपना दिमाग लगा देंगे वहां पे तो होशियार बन जाएंगे, भालू खा जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो आपको बताएगा, मतलब मान लो वी आर बहुत पहले की बात है, हम कम से कम 10-12 लोग थे, ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई सामने वाला जैसा जैसा बताएगा वैसा वैसा करेंगे, वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे। बट क्या होता है, कभी कभी सामने वाला जब बताता है ना तो हमारी इच्छा होती है, नहीं 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 तुम तो पूरा बता दो अभी, पूरा अभी अभी बता दो, ऐसी इच्छाएं होने लगती है हमारी। जैसे हमारे में भी थे एक कार्टून ऐसे ही, उन्होंने बोला, जो ट्रैकिंग वाले पर्सन थे उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे थे ट्रैकिंग, मतलब हमारा ट्रैकिंग का जो टाइमिंग था वो दिन में 3 बजे के बाद, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, रात हो जाएगी, रात तो भाई लाइट तो होती नहीं है, है ना, तो रात हो जाएगी तो किसी भी एनिमल या जानवर का आने का डर है, कुछ दिन पहले भालू देखा गया था, ठीक है, तो अपन लोग थोड़ा सा जल्दी चले तो अच्छा ही, अदरवाइज आप ट्रैकिंग आज अवॉइड कर दो। तो हमारे साथ भी एक कार्टून ऐसा था जिसने बोला अच्छा अच्छा भालू आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये नहीं कि चल चले चुपचाप, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, समय के साथ अपने आप को पहले ढालना पड़ता है, अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, ये कौन सी क्लास चल रही है, ये क्लास कैसे चल रही है, एक दो दिन क्लास वॉच करते हैं तब जाके पता चल जाता है अच्छा ये मोहित सर की क्लास है, कैसे 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 चलती है, कब किसकी क्लास चलती है, कब कौन सी क्लास चलती है, ये मेरा कहने का मतलब है बेटा, ठीक है। साउंड एकदम प्रॉपर क्लियर है दीपक पाल जी, आप ईयरफोन यूज करें, साउंड एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया तथागत भाई, गुड। तो पीडीसीएल डीटी में एसटी एससी एक्स सर्विसमैन का भी डिप्लोमा में 70% चाहिए, नोटिफिकेशन पढ़ो। ठीक है, चलिए इसके, है ना। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखो चीजों को, हमेशा लाइफ में चीजों को इसी तरीके से ध्यान रखा करो, राइट।
अब अपन करते हैं क्वेश्चन आधे घंटे तक सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कोई कुछ डाउट नहीं पूछेगा। चलो मतलब डाउट पूछ सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड। चलो ये हो गया। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बोला जाता है एक हाइड्रोमीटर है जिसकी रीडिंग और फुल चार्ज बैटरी के टाइम पे एक हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितनी होगी। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर करवाया, पूछोगे कहाँ? आज से कुछ दिन पहले यूट्यूब पर मैं व्हाइट कलर के है ना, व्हाइट कलर के क्वेश्चंस टाइप में लेके आता था। ये क्वेश्चन सीधे भारत स्किल्स की वेबसाइट से उठाया गया है। एक हाइड्रोमीटर की रीडिंग एक फुल चार्ज बैटरी की कितनी होती है, आप ही मुझे बताओ। ये मैंने करवाया कितनी बार, कम से कम 5 से 7 बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, या नहीं करवा चुका हूँ? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। तो एक हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो होती है बेसिकली वहीं से उठाया लिया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज ऑलवेज 1280। तो एक हाइड्रोमीटर की रीडिंग एक फुल चार्ज बैटरी की 1280 होती है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी मीटर क्या है? ये क्वेश्चन भी मैं कम से कम 1000 बार आपको करवा दिया हूँ। एनर्जी मीटर क्या है? एनर्जी मीटर होता है ऊर्जा मापी यंत्र। क्या होता है? ऊर्जा ऊर्जा मापी यंत्र, ऊर्जा मापी यंत्र बोलते हैं एनर्जी मीटर को। और एनर्जी मीटर बेसिकली करता क्या है, एनर्जी मीटर क्या करता है, किस तरीके का मीटर है ये? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कैसा है बेटा? इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग क्यों बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पुरानी रीडिंग भी हमको जोड़ के दिखाता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको मजा आएगा। तीन रजिस्टर है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं आपको, तीनों को अगर सीरीज में करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो तीन रजिस्टर अगर है और तीनों को सीरीज में करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर तीन रजिस्टर पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो बेसिकली हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉट इज यूज ओनली फॉर कूलिंग पर्पज, इनमें से कौन सी चीज, वॉटर इज यूज ओनली फॉर कूलिंग पर्पज। रिसेंटली बेटा ये क्वेश्चन मैंने अपने है ना, रिसेंटली ये क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल में करवाया हुआ है, मुझे अभी भी याद है। और डायरेक्ट एज इट इज यही क्वेश्चन है विद ऑप्शन के साथ एज इट इज यही क्वेश्चन है। वाटर को हम यूज करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, क्यों? कितने बच्चे जानते हो एज इट इज यही क्वेश्चन है या नहीं है? अभी रिसेंटली 5-6 दिन में पहले ही करवाया यार, 5-6 दिन भी नहीं हुए। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ करंट ट्रांसफॉर्मर के कारण, स्टेप अप या स्टेप डाउन? दीपक भाई करंट ट्रांसफॉर्मर जो आपका होता है उसका बार प्राइमरी होता है, तो जो करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा होता है वो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात जब भी करते हैं तो हमेशा वोल्टेज के टर्म्स में करते हैं, करंट के टर्म्स में नहीं। तो करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। करवाया है? चलिए तो बेटा याद रखेंगे वाटर हम लोग यूज करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, क्यों? तो कूलिंग पर्पस के लिए जब हम वाटर यूज करते हैं तो दिस इज फॉर ऑलवेज फॉर डीजल पावर स्टेशन। किसके लिए करते हैं बेटा? एक डीजल पावर स्टेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक डीजल पावर स्टेशन के लिए करते हैं, ठीक है ध्यान रखना। तो डीजल के लिए हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, आज तक मैंने जिंदगी में जितनी बार आपको डबल सर्किट लाइन पढ़ाया है, हर बार बेटा मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ और आपके सामने बताता हूँ आपको इसमें कितने कंडक्टर होते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो एक डबल सर्किट लाइन में कितने कंडक्टर होते हैं बेटा? एक डबल सर्किट लाइन में कितने कंडक्टर होते हैं हर बार पढ़ाता हूँ, आज फिर आपके सामने डबल सर्किट लाइन का डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा मेरा डबल सर्किट लाइन का डायग्राम, ये मेरी टावर है, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर ये आपकी टावर, ठीक है। इसके बाद ये मेरी टावर है, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर ये भी आपकी टावर है, ये लीजिए है ना। तो मैं दिखा देता हूँ आपको डबल सर्किट लाइन कैसी होती है, ये लीजिए। इसके बाद ये बेटा इसके अंदर इंसुलेटर होते हैं, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंसुलेटर लगाए जाते हैं ऐसे करके, ये थोड़ा हाइट में कम बनाई है मैंने, आप उसका लोड मत लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपका करंट फ्लो होता है। ये आपका एक वायर होता है, ये आपका एक वायर होता है और ये आपका एक वायर होता है। सिमिलरली ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला इससे वायर होता है, ये वाला इससे होता है, ये वाला इससे होता है और एक ऊपर होता है, ठीक है। तो तीन वायर इधर से निकलते हैं, ये तीन वायर है, तीन वायर इधर से निकलते हैं और एक ऊपर ग्राउंड वायर होता है। टोटल कितने वायर हो जाते हैं? 7 कंडक्टर होते हैं इंक्लूडिंग 1 अर्थ कंडक्टर। यही हमारी है ना, यही हमारी क्लियर है ना, यही हमारी बेसिकली क्या है ना, ठीक है। यही हमारी बेसिकली क्या है गाइस? डबल सर्किट लाइन, ठीक है। यही हमारी क्या है? डबल सर्किट लाइन। आज बहुत बफरिंग हो रही है, आपके एंड पे दिक्कत है, आपके एंड पे दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। चलिए, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अडॉप्टेड इन फॉलोइंग एसी मशीन। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप कौन सी मशीन में अडॉप्ट करते हैं?
एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप कौन सी मशीन के अंदर एडॉप्ट करते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप कौन सी मशीन के अंदर एडॉप्ट करते हैं, फॉर जनरेटर, फॉर अल्टरनेटर्स, फॉर ट्रांसफॉर्मर या ऑल ऑफ द अबव, एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई जाहिर सी बात है, आप ही मुझे बताओ स्टैटिक ईएमएफ कहां इंड्यूस होता है। कितनी बार मैंने पढ़ाया कि स्टैटिक ईएमएफ, जब आपने स्टैटिक वर्ड लिख दिया मतलब रुका हुआ, स्टैटिक वर्ड मतलब लिख दिया मतलब रुका हुआ, हुआ 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 ऐसे लिखते ना, हुआ हुआ पता नहीं, चलिए स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ अगर हम बात करें तो रुका हुआ हमारा स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक, अब आप मुझे बताओ अल्टरनेटर रुके हुए होते हैं क्या, कभी नहीं होता, इसमें डायनामिक ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि इसका रोटर घूमता है। जनरेटर और अल्टरनेटर एक ही चीज है, तो अगर ये आंसर हो जाता तो आज ये भी आंसर हो जाता, मानते हो कि नहीं मानते, क्योंकि तो दोनों एक ही चीज होती है, तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपका कैसा डिवाइस होता है, एक स्टैटिक डिवाइस, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, एक स्टैटिक डिवाइस, ठीक है, ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में स्विचिंग लॉजिक इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है आपके सामने यहाँ पे सब स्टेशन पे रखा है, अब इसमें स्विचिंग लॉजिक ऑब्टेन करना है। स्विचिंग लॉजिक मतलब कुल मिलाकर के स्विच किस तरीके से यूज करते हैं, कॉन्टेक्टर से, फ्यूज, वायर या कनेक्टर। तो आप मुझे बताओ बेटा फ्यूज काई के लिए होता है, फ्यूज तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, फ्यूज तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो फ्यूज तो होगा नहीं कभी भी, है ना, फ्यूज तो कभी होगा नहीं, फ्यूज तो कभी हो ही नहीं सकता। वायर से, तो क्या आप मुझे बताओ वायर से कभी भी, क्या आप मुझे बताइए वायर की मदद से कभी भी कोई स्विच बनता है क्या, नहीं। अब या तो कॉन्टेक्टर या कनेक्टर, कनेक्टर जो होता है बेसिकली वो किसी चीज को कनेक्ट करने के काम आता है। कनेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज यहाँ जीवन में लगी हुई है तो उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन बिठाने के लिए कनेक्टर लगाने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है, उसको बिठाने के लिए क्या करने पड़ते हैं, कनेक्टर लगाने पड़ते हैं। तो कनेक्टर इज नॉट जस्ट अ स्विच, बट कॉन्टेक्टर जो होते हैं हमारे ये किसकी तरह काम करते हैं, स्विच की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा यूपीपीसीएल, बेटा तू कल से अभी तक 3 बार ये सवाल पूछ चुका है, बोल हाँ या ना, एक बार तूने टेलीग्राम पे पूछा, एक बार तूने यूट्यूब पे पूछा, मैंने 2 बार तेरे को आंसर दिया नहीं। यूपीपीसीएल जेई अब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच को एलिजिबल नहीं करता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ही एलिजिबल करता है। लास्ट टाइम उसने ये किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को मना कर दिया था, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे एक नॉर्मल कंडक्टर की जिसको हम हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले करता था अलाउड अब नहीं करता। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे गाइस फटाफट, इन अ नॉर्मल कंडक्टर इज हीटेड, जब हम एक नॉर्मल कंडक्टर को हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेटा याद रखना ये क्वेश्चन हर बार पढ़ाया है मैंने, अगर आप कंडक्टर की बात करते हो तो कंडक्टर के अंदर अगर आप लोगों का टेम्परेचर जो है हम उसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या होने लगता है, रेजिस्टेंस भी बेसिकली क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम बात करें एक सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर के अंदर बेटा अगर मैं टेम्परेचर को हल्का सा भी इंक्रीज करूंगा तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होने लगता है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो एक नॉर्मल कंडक्टर को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या होता है। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर आप एक बात कर रहे हो मेरे सामने एक ट्रांसफॉर्मर की, तो अगर आप एक ट्रांसफॉर्मर की मेरे सामने बात करते हो तो एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, अगर मेरे पास मान लीजिए इस तरफ वोल्टेज ज्यादा है, मेरे पास मान लीजिए इस तरफ वोल्टेज है V1, तो इधर वोल्टेज कितना है V2, इधर करंट कितना है मेरे पास I1, इधर करंट कितना रहेगा मेरे पास I2, ठीक है। तो ये करता क्या है, या तो ये वोल्टेज को उस तरफ बढ़ा देगा या तो ये वोल्टेज को उस तरफ कम कर देगा, दोनों में से कोई सा एक काम कर सकता है, या तो स्टेप अप कर सकता है तो स्टेप डाउन कर सकता है, बट किसको, ऑलवेज एसी को, ये वर्क करता है हमेशा किसके ऊपर, ऑलवेज एसी पर, ऑलवेज एसी पर ही वर्क करता है। तो ऑलवेज एसी पर करता है मतलब इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। चलिए क्या हो गया, मैंने कुछ गलत लिख दिया था, क्या गलत लिख दिया, क्या लिख दिया गलत, आपके घर घर चला जाऊंगा, ओके ओके ओके, क्या रुका हुआ ये होता है,
नहीं तो मैंने क्या लिखा था, मतलब आप लोग ने बोला ना रुका हुआ है तो लिखा था मैंने रुका हुआ, ये गलत लिखा है। अरे गलत लिखा है क्या? यस राजवीर बेटा, डीआरडीओ टेक्नीशियन एक ही थ्योरी क्लास है, टेक्नीशियन एक ही थ्योरी क्लासेस हैं। अगर तू मेरी रोज वीडियो देखेगा तो तेरे को दिख जाएंगे, ठीक है? और क्लास के स्टार्टिंग में देखना, ये गलत लिखा है क्या? यहां से हटा दू, कहां लगा दू इसको? इधर। अबे कैसी बात कर, मजाक कर रहे हो तुम लोग? रुका। देखो बेटा ऐसा है कि मैं आपको क्या बता दू, मैंने मेरे जीवन में हिंदी कभी पढ़ी नहीं है ना, तो इसलिए मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी आप लोग मेरी भावनाओं को समझते हो, मैंने हिंदी स्कूल में पढ़ी नहीं कभी आया है ना, तो ये मात्रा वात्रा मेरे को आज भी मेरे को इन सब में अंतर समझ में नहीं आता मेरे को, मतलब मेरे को साथ दिक्कत है। मतलब वो नहीं होता, कुछ कुछ जगह में देखता हूँ पा के ऊपर ऐसा लगा रहता है, कुछ कुछ जगह देखता हूँ पा के ऊपर ऐसा वाला लगा देते हैं, अब साला समझ में नहीं आता। दोनों को पढ़ते तो पाई, अब क्या पता ये वाला काय को लगा देते हैं, फिर ये वाला समझ में नहीं आता मेरे को, कुछ जगह ये वाला लगा देते हैं और कुछ जगह ये वाला भी लगा देते हैं और कुछ जगह इधर से भी लगा देते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को, मतलब सब तो एक जैसे ही है ये, तो मेरे साथ थोड़ा दिक्कत है ये वाला, इसलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ। यस आयुष, चलिए आ जाइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थ्री फेज जनरेटर की अगर हम बात करेंगे, एक थ्री फेज बेटा हम जनरेटर की बात करेंगे, तो वो रेजिस्टिव लोड को सप्लाई कर रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स विल बी, आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स क्या होगा? अगर समझ रहे हो है ना, समझ रहे हो है ना, सुनते जाना सर, आप वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ, ओके, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वेस्ट बंगाल का परमानेंट रेजिडेंट बन जाऊंगा तो है? चलो, अबे परमानेंट रेजिडेंस इंडिया के बाहर के लिए होता है, जिसको पीआर बोलते हैं, इंडिया के लिए पीआर नहीं होता, इंडिया में ऑलरेडी अपने पास पीआर है, मैं उसके लिए, मेरे को वेस्ट बंगाल में आने के लिए कोई रोकेगा नहीं, ठीक है? चलो, तो एक थ्री फेज जनरेटर की अगर हम बात करेंगे तो वो सप्लाई करता है एक रजिस्टिव लोड को। अब देखो बेटा इस पेपर में भी किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे आप, एक जनरेटर में अगर हम लोड सप्लाई करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स क्या होगा? तो बेटा अगर एक जनरेटर की हम बात करते हैं, दोनों के केस में बताता हूं मैं, जनरेटर हो या बेटा मोटर हो, दोनों के केस में, जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों के ही केस में, दोनों के ही केस में याद रखना, अगर लोड आपका प्योर रजिस्टिव हो, लोड आपका कैसा हो? रजिस्टिव, रजिस्टिव लोड हो आपका, कैसा लोड हो? रजिस्टिव लोड हो, तो हमेशा याद रखना आपका जो आर्मेचर का फ्लक्स है, यानी कि कौन फाई ए, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आर्मेचर का फ्लक्स, तो आर्मेचर का फ्लक्स जो होता है ये क्या करता है, फील्ड फ्लक्स को, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है फील्ड फ्लक्स को, फील्ड फ्लक्स को है ना, आर्मेचर का फ्लक्स जो होता है वो फील्ड फ्लक्स को, आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है फील्ड फ्लक्स को, आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो फील्ड फ्लक्स को क्या करता है, आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है ये फील्ड फ्लक्स को क्या करता है ना, क्रॉस मैग्नेटाइज, क्या करता है? क्रॉस मैग्नेटाइज, क्या करता है बेटा? क्रॉस मैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइज करता है, क्रॉस मैग्नेटाइज करता है, तो आर्मेचर का फ्लक्स जो होता है फील्ड फ्लक्स को क्या करता है बेटा? क्रॉस मैग्नेटाइज करता है, क्या करता है? क्रॉस मैग्नेटाइज। अब ये साला क्रॉस मैग्नेटाइज क्या चीज है, जरा ये बताओ, ये क्रॉस मैग्नेटाइज क्या चीज है? क्रॉस मैग्नेटाइज का मतलब क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइज का मतलब होता है कि उसको छेड़ना, और छेड़ने के लिए जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, अगर ये फील्ड फ्लक्स है तो छिड़कानी जो होगी वो या तो यहां होगी या तो यहां होगी, मतलब ना तो कभी इधर होगी ना इधर, तो हमेशा छिड़खानी 90 डिग्री ही होती है, तो एट 90 डिग्री विद द फील्ड एक्सिस, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। चलिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैकेनिकल फोर्स। अब ये सवाल बिल्कुल सही बैठ गया, क्या सही बैठ गया? करंट फ्लो मतलब करंट,
मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स और मैकेनिकल फोर्स, ये लॉ किसने दिया था? तो भैया हमारे जो फ्लेमिंग के, हमारा जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये बेसिकली बना हुआ है फोर्स के लिए, ये बेसिकली बना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये बेसिकली बना है करंट के लिए। और इससे हमारा जो करंट का फॉर्मूला भी निकल, फोर्स का फॉर्मूला आता है बिल साइन थीटा। क्या निकल के आता है? बिल साइन थीटा, इस नाम की ये फोर्स देता है। तो ये बेसिकली फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। लेकिन अगर कल को कोई बोले आपसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है बी एल वी साइन थीटा। क्या है? बी एल वी साइन थीटा, याद रखना। जहां पर राइट हैंड में ये आपका बेसिकली क्या है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका मोशन, ये आपका क्या है मोशन, ये आपका क्या है फील्ड, और ये क्या है ईएमएफ। सिमिलरली लेफ्ट हैंड में ये मोशन है, ये फील्ड है, और ये क्या है करंट। बस एक उंगली उंगली खेलना हो जाता है, जैसे इधर से ये करंट भी ईएमएफ, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ध्यान रखिए। राजवीर मेहरा, सर मैं ये पूछ रहा हूँ, 4 से 6 वाली क्लास सारी क्लासेस थ्योरी की हैं क्या? नहीं बेटा, यूट्यूब पर थ्योरी नहीं होती राजीव, थ्योरी के लिए आपको बैच के अंदर पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर होता है क्रीम, क्रीम मतलब फ्लेवर, केक का फ्लेवर, और उसके नीचे की अगर हम बात करें तो केक की जो ब्रेड है वो बनी हुई है पूरी बैच के अंदर। तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो पूरी बैच के अंदर है, और ऊपर के जो फल है वो यूट्यूब पे। आपको पूरा का पूरा पेड़ बनना है, जड़ सहित फल। ठीक है, चलो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे गाइस, उसके बाद अपन लोग आगे मूव ऑन करेंगे। सभी बच्चे लाइक करके 90 क्रॉस करेंगे फटाफट फास्ट, सभी बच्चे लाइक करके 90 क्रॉस करेंगे फटाफट, और शेयर करेंगे जल्दी। यस, है डीआरडीओ की ही राजवीर बेटा, है डीआरडीओ की ही। जल्दी करेंगे गाइस फास्ट। यहां क्राइम मिलता है, अरे क्राइम नहीं माताजी, क्रीम। दिक्कत हो जाएगी, क्राइम मत बोलो। विशु की इंग्लिश मेरी हिंदी जैसी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ का कुछ निकलता है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं विशु, चलता है, होता है ऐसा, मैं समझ सकता हूं। चलिए, सर डीआरडीओ सिलेबस में सिग्नल एंड सिस्टम टॉपिक्स भी दिया है। हाँ आदित्य भाई, बिल्कुल दिया है। तो मेरे मैसेज भी देख लिया, अगर देख लेता हूँ मैसेज, रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैसेज तो देख लेता हूँ। चलो ऐसा बोलो कि सर मेरा रिप्लाई कर दिया करिए। सर आपके आपके के सेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फायदा होता है। ओके चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे बेटा, अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ी, अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ी। आपको हर मेरे सेशन में बेटा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ी। आप मुझे बताओ अर्थिंग करता क्या है, इंसानों को बचाता है और मशीन को बचाता है। तो दो तरीके की अर्थिंग होती है, याद रखना। एक होती है सिस्टम अर्थिंग, दो तरीके की अर्थिंग होती है बेटा। एक होती है सिस्टम अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग वो होती है जिससे इंसान बचता है, मतलब हम, है ना। और एक होती है इक्विपमेंट अर्थिंग, जिससे क्या बचता है, हमारा इक्विपमेंट जो है वो बच जाता है। तो इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ करके रखते हैं। तो एक होती है सिस्टम अर्थिंग, इंसान को बचाने के लिए, ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए, मानवता मानव को बचाने के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए। और दूसरा होता है हमारा मशीनों को बचाने के लिए। सर इस पेपर में मैथ्स रीजनिंग तो आया ही नहीं है। हाँ दीपक, फिर क्या करें बेटा अपन, फिर क्या करें बताओ, मैथ्स और रीजनिंग नहीं आया तो अपन क्या करें बताओ। चलो अगर हम एक सोलेनोइड कॉइल की बात करते हैं, मस्ट हैव इट्स, तो एक सोलेनोइड कॉइल के अंदर क्या होता है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होती है, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ होती है। तो मैं आपके सामने सोलेनोइड बना के दिखाता हूं। ये आपका बेटा सोलेनोइड होता है, ये एयर कोर सोलेनोइड है, ये क्या है एयर कोर सोलेनोइड, ये हो गया एयर कोर सोलेनोइड। अब आप मुझे बताओ इसकी लंबाई जो है वो एल है, बट अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ इसकी कुछ भी नहीं है। तो लेंथ एंड ब्रेथ कभी भी बराबर नहीं होती, लेंथ हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है ब्रेथ। क्या मस्त क्वेश्चन पूछा भाई एकदम, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा ये, नहीं क्या मस्त क्वेश्चन पूछा ये। लेंथ और ब्रेथ हमेशा इसकी क्या होती है, लेंथ हमेशा इसकी ज्यादा होती है किससे, ब्रेथ। ध्यान रखिए, चलो नेक्स्ट। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्रिफर्ड। अगर इसके बाद की लाइन नहीं भी लिखता ना तो हम मांझे फर्क नहीं पड़त। क्या भाई डीसी वोल्टेज बोला है रे, डीसी वोल्टेज बोलती है मतलब पीएमएमसी, पीएमएमसी मतलब मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन, दैट इज ऑलवेज
मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ऑलवेज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल ही होता है जो पीएमएमसी के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 पोल का जनरेटर है, जनरेट करता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, कितने पे रोटेट हो रहा होगा? बच्चा बच्चा जानता है, अगर एक जनरेटर जो है उसकी स्पीड जो होती है वो 120 f/p होती है, और 120 f/p के अंदर 120 ये हो गया, f की बात करोगे तो 50 हर्ट्ज हो गया, और पोल 12 है, पोल अगर 12 हो जाएंगे तो बस खत्म हो जाएगा गेम, 500 rpm उसकी स्पीड हो जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर फैराड एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस। तो ये बोल रहा है भैया कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, बच्चा बच्चा जानता है। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। इसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों की यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद जी होता है कंडक्टेंस, इसकी यूनिट ओम इनवर्स होती है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, 1/c को क्या बोलते हैं ये पूछ लेगा कल को, तो बता देना। इसको बोल देना 1/c को बोलते हैं इलास्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है? डेराफ। मोहित सर की क्लास में तुमको ये भी मिलेगा लल्ला। तो कलेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लाइट एमिटिंग डायोड लाइट का प्रोड्यूस करता है, कल ही बताया था लाइट एमिटिंग डायोड का बारे में। तो एक लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में याद रखना, लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का सिंबल रखता है। दूसरा एलईडी बोलते हैं इसको। तीसरा मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड। और कौन सा यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट। और कौन सा यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। चौथा मटेरियल कौन सा होता है बेटा? चौथा मटेरियल करते हैं कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड फॉस्फेट, ध्यान रखिएगा। तो ये सब मटेरियल बेटा यूज करते हैं हम लोग एलईडी बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के एलईडी डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट याद रखना, एलईडी जो होता है हमेशा आईआर मतलब इंफ्रारेड रेस भी प्रोड्यूस कर सकता है, एलईडी हमारा इंफ्रारेड रेस भी प्रोड्यूस करता है। रिसेंटली ये क्वेश्चन सब इंजीनियर में आया हुआ है। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो ये बेटा सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी जंक्शन पर होती है, कहाँ होती है? जंक्शन पर होती है। और याद रखना हमेशा ये फॉरवर्ड बायस में लाइट प्रोड्यूस करता है, ये कभी भी रिवर्स बायस में लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। मैंने पहले ही बोला था मेरा ये वाला सवाल जो है हमेशा पेपर में आता है, भारत का कोई भी पेपर हो हमेशा लिखता फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, तुरंत दिमाग में जा जाती है, हटे ऐसे करके दिमाग में जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? जैसे सवाल आए पेपर के अंदर फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए हंटे, समझे, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए हंटे, बस, तो रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, समझे? यस सर। नेक्स्ट, एक डीसी मशीन में इंटरपोल काय को लगाते हैं, एक डीसी मशीन में इंटरपोल काय को लगाते हैं, एक डीसी मशीन में इंटरपोल काय को लगाया जाता है। भैया एक डीसी मशीन में इंटरपोल लगाने के पीछे का केवल एक ही कारण है, एक डीसी मशीन में इंटरपोल लगाया जाता है काय के लिए। अच्छा क्यों लगाते हैं? ये क्वेश्चन तो मेरी क्लास का ही है। तो एक डीसी मशीन में चाहे इंटरपोल हो, ये डीसी मशीन में चाहे इंटरपोल हो या डीसी मशीन की कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो या डीसी मशीन की कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो, दोनों को ही सीरीज में लगाया जाता है। और सीरीज में किसके साथ? विद आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। सीरीज में किसके साथ? विद आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो एक आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाया जाता है इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। एक इंटरपोल वाइंडिंग को कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाया जाता है। तो सीरीज विद द शंट फील्ड या सीरीज विद द सीरीज फील्ड, पैरेलल विद द सीरीज फील्ड या पैरेलल विद द आर्मेचर, ये चारों ही ऑप्शन गलत, ये चारों ही ऑप्शन गलत है ना, अरे चारों ऑप्शन गलत है ना रे, है ना, चारों ऑप्शन गलत। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर रिड्यूस हंटिंग एंड स्टार्ट मोटर होगा बेटा, इसके अंदर दोनों ऑप्शन होंगे सही, ठीक है, रिड्यूस हंटिंग एंड स्टार्ट मोटर। पिछले वाले क्वेश्चन पे मत पढ़ो, मुझे मालूम है पिछले वाले का मैंने फोर्थ ऑप्शन देखा नहीं था, इसी वजह से मैंने उसको फोर्थ लगा, इसलिए मैंने हंटिंग लगा दी, अदरवाइज पिछले वाले का आंसर फोर्थ होगा, ठीक है, ठीक है, फोर्थ कर दिया भैया, फोर्थ कर दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है बेटा, इसमें कहीं पे भी विद आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन है, राइट। इसमें सीरीज विद सीरीज फील्ड वाइंडिंग लिखा है, सीरीज फील्ड कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, शंट फील्ड नहीं होता, ये हमेशा आर्मेचर के साथ लगता है, वो भी सीरीज में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है भाई, कैंसिल है ये क्वेश्चन, ये देखो लिखा आ गया, देखा बोला था ना ऑप्शन ने कैंसिल कर दिया ना कैंसिल, इसलिए मैं बोलता हूँ भैया। चलो, टू प्रिवेंट द थीफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी को बचाने के लिए द प्रिकॉशन, कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए बिजली की चोरी को बचाने के लिए, कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, एक बिजली की चोरी को अगर बचाना है तो कौन से प्रिकॉशन लेंगे?
टू सील द एनर्जी मूवमेंट, ऊर्जा मीटर गति को सील कर देना, मतलब आपके घर में जो बिजली मापी यंत्र रखे हुए हैं, बिजली के मीटर रखे हुए हैं उनको सील कर दो। टू सील द एनर्जी मीटर टर्मिनल, एनर्जी मीटर के टर्मिनल को सील कर दो। टू प्रोवाइड सप्लायर फ्यूज आफ्टर द एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के पास सप्लायर का फ्यूज, इससे बिजली कैसे चोरी बच सकती है, ये तो सबके घर में लगा फिर भी तो चोरी कर ही रहे लोग। यूपी में तो ग्रिड से चुरा लेते हैं डायरेक्टली बिजली, हाँ नहीं मालूम तुमको, यूपी में डायरेक्ट ग्रिड से बिजली चुरा लेते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम तुमको, कहीं और से नहीं सीधे ग्रिड से बिजली चोरी कर ली। एक से एक इंजीनियर पढ़े भारत देश के ना, तो मालूम नहीं है, सब स्टेशन पे तार काट के ले जाते हैं ओवरहेड कंडक्टर, तरीका उसको भी काट के ले जाने का। तो बेटा अगर हमको प्रिवेंट करना है थीफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कौन सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो यार कौन सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो इसका ऑल ऑफ द अबव गलत दिया हुआ है। हमको क्या करना पड़ेगा, टू सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, हमें एनर्जी मीटर की मूवमेंट को सील करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम एनर्जी मीटर के टर्मिनल को सील कर देंगे तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर हम फ्यूज लगाएंगे इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने गलत दिया है। इसका करेक्ट आंसर है टू सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, एनर्जी मीटर की मूवमेंट को सील कर। ऐसा नहीं होता हर चीज में यूपी वाले, अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूं, तुम लोग गलत सोचने लगते हो, मैं तो तारीफ कर रहा हूं भाई, ये तो एक अचीवमेंट है कि आप ओवरहेड कंडक्टर को सब स्टेशन में से चुरा के ले जाओ, चलती हुई सब स्टेशन में से, आप ग्रिड में से बिजली चोरी कर लो, हमारा पूरा देश का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो हिला हुआ है कि ऐसा हो कैसे जाता है। तो ये तो आप लोगों, ये तो हो यूपी में, मतलब मैं पूरे यूपी के लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ये तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो ये कर लेते हैं, अचीवमेंट है ये तो आपका, है ये तो अचीवमेंट है आपका, ठीक है। चलो आ जाओ, ऐसे दिल पे ले लेते हो, मैं यूपी जाऊं ऐसे दिल पे ले लेते हो सही में, कि क्या बताएं, चलो थोड़ा देश का भी सोचो। चलो द सिलिका जेल इन ब्रीथर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज, तो सिलिका जेल जो होता है बेटा ब्रीथर में वो क्या करता है, ठीक है, सिलिका जेल जो होता है ब्रीथर में, अच्छा पूरे यूपी में दिक्कत नहीं है, यूपी के पर्टिकुलर कुछ कुछ क्षेत्र में दिक्कत है, पूरे एंटायर यूपी में दिक्कत नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ, यूपी में पूरे एंटायर में दिक्कत नहीं। आप यूपी का ये वाला हिस्सा देख लो, दिल्ली नोएडा साइड वाला, इधर कोई दिक्कत नहीं, नोएडा गाजियाबाद साइड देख लो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नोएडा और गाजियाबाद को तो मैं यूपी में मानता ही नहीं हूँ, आप नोएडा गाजियाबाद जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं आप उत्तर प्रदेश में, आप नोएडा गाजियाबाद जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आप झांसी आगरा में चले जाओ आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में, आपको लगेगा आप मध्य प्रदेश में रहते हो, झांसी आगरा का पूरा एरिया मध्य प्रदेश जैसा लगता है, ठीक है, आप एक्चुअल यूपी में ये है, ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये यूपी में आते हैं, ठीक है, ये मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो जो खतरनाक वाले इलाके है ना इधर, जो बाकी सब समझ गए होंगे, पर वही है यूपी, बाकी ये सब तो है ही नहीं, इधर तो पूरा ये दिल्ली नोएडा गाजियाबाद ये पूरा एक ही टच है, इधर झांसी आगरा ये पूरा का पूरा ये सब एक ही टच है, बहुत शांति से रहते एकदम, ज्यादा कुछ चिकित पिकिर नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ चिकित पिकिर नहीं। बिहार में ट्रेन इंजन का चोरी हो जाता है, चलो आ जाओ इधर आ जाओ, तो एक सिलिका जेल की बात करते हैं ब्रीथर के अंदर, तो एक ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल की अगर हम बात करें तो बेसिकली सिलिका जेल का काम क्या होता है बेटा, ब्रीथर के अंदर एक ही काम होता है, क्या, कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाने नहीं देना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इन टू द ट्रांसफॉर्मर, तो बेटा मॉइस्चर की एंट्री को ट्रांसफॉर्मर में नहीं जाने देने का काम होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द एटम, ये क्वेश्चन तो बेटा एक बार बताओ दिल से बताना, मुझे ऐसा लगता है कि रोज रोज दिन है ना, ये आयुष आयुष आपको ये सोचना ही नहीं है कि कौन से नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, देख मान ले अगर क्वेश्चन गलत आया तो तेरे को काय को लोड लेना उसके अंदर, वो लोग लोड लेंगे ना, तेरे को थोड़ी लोड लेना है, चल तो बेटा यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में देख कम से कम मैं तुमको हर क्लास में एक दिन बोलता हूँ कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, कल भी बोल रहा था, जब नहीं पढ़ाता हूं तब भी बोलता हूँ, जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में भैया, मेरा पढ़ाया वो सब आता है भैया पेपर में, देख लो, ये देखिए द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर के बीच में लाई करती है, ये भी हमको मालूम है। चलो दूसरी चीज भी देख लो, अगर मान लीजिए आपका एनर्जी गैप अगर आपका मान लीजिए कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर का एनर्जी गैप जो होता है वो जीरो होता है, सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और याद रखना इंसुलेटर की अगर मैं बात करूंगा तो इंसुलेटर का जो हमारा होता है बेसिकली वो क्या एनर्जी गैप वो हमारा बेसिकली ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट,
बेडिंग ऑफ ब्रशेस मींस, ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो मैंने आज तक आपको कभी भी नहीं पढ़ाया, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन अपना यूज कर सकते हो तो मे भी शायद कर लोगे। जल्दी देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, बेडिंग ऑफ ब्रश का क्या मतलब होता है? बेडिंग ऑफ ब्रश, फिक्सिंग द ब्रश टू द मशीन, मशीन में ब्रश को फिक्स करना, फॉर्मिंग द ब्रश सरफेस टू सूट फॉर द कर्वेचर ऑफ कम्यूटेटर, मतलब कि कुल मिलाकर के आप क्या करना चाह रहे हो, एक कम्यूटेटर के कर्वेचर के हिसाब से ब्रश की शार्पनिंग करना, अलाइनिंग द ब्रश टू द मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, ये एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ द ब्रश। अब ये नाम से समझ में आना चाहिए बेटा, बेडिंग, बेडिंग ऑफ ब्रश मतलब क्या? ये क्वेश्चन मैंने आपको आज तक पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन मशीन डिजाइनिंग का है। मैंने हमेशा बोला चार से पांच क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ जाते हैं जो किसी से भी नहीं बनते, लेकिन फिर भी आप अगर अपना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप ये कर लोगे। तो करेक्ट आंसर इसका एक ही बेटा, फॉर्मिंग ऑफ ब्रश सरफेस, जो आपका ब्रश सरफेस होता है उसको फॉर्म करना है आपको कर्वेचर ऑफ कम्यूटेटर के जैसा, कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर का सरफेस ऐसा है तो आपका ब्रश का सरफेस भी कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। सॉरी, एक स्टार कनेक्शन की अगर हम बात करें थ्री फेज एसी सर्किट में, एक स्टार कनेक्शन की अगर हम बात करें थ्री फेज एसी सर्किट में, तो बेटा स्टार कनेक्शन में याद रखना लाइन करंट और फेज करंट बराबर बराबर होते हैं, और लाइन वोल्टेज जो होता है वो रूट थ्री टाइम फेज वोल्टेज होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारा लाइन करंट जो होता है वो रूट थ्री टाइम फेज करंट होता है डेल्टा में, और हमारा लाइन लो और हमारा लाइन सॉरी और हमारा अगर हम बात करें यहाँ पे और हमारा अगर हम बात करें तो लाइन करंट रूट थ्री टाइम फेज करंट होता है डेल्टा में, और लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्टार कनेक्शन के लिए है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये डेल्टा के लिए। तो ये हो गया आपका डेल्टा के लिए, ये हो गया आपका स्टार के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम द फेज वोल्टेज। चलिए, 400 वोल्ट की लाइन है, एट डेड एंड एम्प्लॉय कौन सा इंसुलेटर? तो बेटा डेड एंड पे मोड़ पर कौन सा इंसुलेटर होता है? सर क्वेश्चन नंबर 29 कैंसिल, 28 नंबर बताएं। बता दिया भाई, जो कैंसिल था वो बता दिया, उसके बाद कोई कैंसिल हुआ ही नहीं। शाकाल नहीं रे, शैकल, शाकाल क्या होता है ये? बाप रे बाप, अबे शाकाल तो वो था, तो एक 400 वोल्ट की लाइन की अगर हम बात करें तो डेड एंड पे क्या एम्प्लॉय करते हैं? तो बेटा चार तरीके के इंसुलेटर्स होते हैं हमारे, एक पिन इंसुलेटर होता है, एक सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, ठीक है, एक टेंशन इंसुलेटर होता है, और एक शैकल इंसुलेटर होता है। तो शैकल इंसुलेटर होता है, शाकाल नहीं, नहीं तो कर दो पर शैक है, शाकाल कर दिया, वो वाला देखा ना, शाकाल, शाकाल देखे हो ना? देखे हो गए, चलो शाकाल भी नहीं देखे जीवन में तो क्या ही देखे थे फिर तुम। चलो यहाँ पे देखेंगे बेटा, सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया बड़ी तरीके की, 400 वोल्ट की लाइन है, डेड एंड एम्प्लॉय करता है इंसुलेटर इज शैकल इंसुलेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। टू हैव अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग डायोड्स वी रिक्वायर, अगर हमको मान लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो हमें एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो बेटा कितने डायोड लगेंगे? एक, दो, तीन या चार? एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड लगेंगे? एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितने डायोड लगेंगे? एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड हमको लगने वाले हैं? एक फुल वेव, तो बेटा एक फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका ब्रिज टाइप, अगर आपने ब्रिज टाइप बना रहे हो है ना तो आपको चार डायोड लगेंगे, लेकिन अगर आप ब्रिज टाइप ना बना के आप बना रहे हो सेंटर टेप, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो अगर आप सेंटर टेप बना रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो डायोड्स लगते हैं। तो अगर सेंटर टेप की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो डायोड्स अवेलेबल है, लेकिन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास चार डायोड्स अवेलेबल हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको किसी तरीके से ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये ब्रिज टाइप है या सेंटर टेप टाइप है, इसलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर टू भी हो सकता है और फोर भी हो सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के आंसर दोनों पॉसिबल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है? चलिए तो देखते हैं आयोग ने क्या करा, आयोग ने भी भाई कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोटर की रेटिंग काय में होती है, जितनी भी हमारी मोटर्स होती हैं इनकी रेटिंग हम किस में लेते हैं? के बाद डिस्क इंसुलेटर लगाते हैं तो सर, पर सर 400 केवी के डेड एंड पर, 400 केवी नहीं लिखा बेटा वहां पे, 400 वोल्ट लिखा हुआ है, 400 केवी नहीं है वो, 400 वोल्ट है, केवी नहीं है, 400 वोल्ट का क्वेश्चन में 400 केवी मतलब 400 केवी मतलब बहुत ज्यादा हो गया, एचवीडीसी सिस्टम आ गया, 400 वोल्ट मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूशन एंड की लाइन चल रही है।
चलिए, तो मोटर आर रेटेड इन, तो मैं आपको आज बता देता हूं बेटा, आपका जनरेटर, आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो आप लोगों के होते हैं, इसकी रेटिंग हमेशा या तो केवीए में होती है या तो एमवीए में होती है। देन आता है आपका मोटर, तो मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर हमेशा या तो किलोवाट में होती है या तो एचपी में होती है। देन आपसे कोई पूछे पावर प्लांट की रेटिंग किस में होती है, तब भी आपको बताना है पावर प्लांट की रेटिंग मेगावाट और गीगावाट। तो पावर प्लांट की रेटिंग भी इसी में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, एचपी। एचपी मतलब आयोग ने चार माना है, कैंसिल नहीं किया है। अरे मतलब तुम लोग पागल हो गए हो, इधर देखो भैया मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, आप लोगों की आंखें थोड़ी खराब है। यहां से क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट हुआ, बोलो हाँ, फिर ये क्वेश्चन का स्टिमुला से जिसको ये बोलते हैं, और क्वेश्चन यही वाला है, यहाँ पे कैंसिल्ड लिखा हुआ है, कैंसिल्ड लिखा है। करेक्ट आंसर जो है वो पहले उन्होंने फोर डायोड्स दिया था, बाद में बच्चों ने लगाई ऑब्जेक्शन तो उन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। कौन सा नंबर का क्वेश्चन के अंदर लिखा है ये 36? इसका आंसर कुछ भी नहीं हो सकता, ये कैंसिल क्वेश्चन है। फुल वेव रेक्टिफायर में जब तक ये नहीं बताओगे ब्रिज है या सेंटर टेप्ड है, तब तक नहीं माना जाएगा। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या बताऊं, मतलब तुम लोग सोच नहीं पाओगे कभी कैसी फीलिंग आती है मेरे को, सोच नहीं पाओगे, ऐसा लगता है ना मेरे को। चलिए, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट रेटिंग ऑफ बैटरी, एक बैटरी की करंट रेटिंग अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर आप सारी बैटरीज को, जितनी भी बैटरीज हैं, अगर आप इनको सबको सीरीज में लगाते हो, अगर आपके मान लो बहुत सारी बैटरीज, इनको अगर आप सीरीज में लगाते हो तो बेटा देखो क्या बढ़ेगा, सबका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो सीरीज में लगाने से बैटरीज का वोल्टेज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वोल्टेज इंक्रीज होने लगता है। बट करंट तो सब में क्या जा रहा है, सेम ही जा रहा है। लेकिन अगर आप इन्हीं बैटरीज को पैरेलल में लगा दो, इन्हीं बैटरीज को जब आप पैरेलल में लगा दोगे, इन्हीं बैटरीज को जब आप पैरेलल में लगा दोगे, इन्हीं बैटरीज को जब आप पैरेलल में लगा दोगे, तब एक चीज और आपके साथ होने वाली है, वो क्या है, तो जब आप पैरेलल में लगा दोगे तो बेटा करंट बढ़ना चालू हो जाएगा। क्या बढ़ना चालू हो जाएगा, आपका करंट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। कब, किस सिचुएशन में, पैरेलल सिचुएशन, तो पैरेलल सिचुएशन में आपका करंट बढ़ेगा। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में बढ़ाओगे तो करंट रेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और सीरीज में बढ़ाओगे तो, सीरीज में लगाओगे तो वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटी, और शंट इसमें लगाओगे तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए, एक एसी आरएलसी सीरीज सर्किट में वी जो है वो लीड करता है आई से बाय एंगल फाई। तो भाई आपसे बोला जा रहा है एक एसी सर्किट है, आरएल सर्किट, ठीक है, एक एसी आरएल सर्किट है, एक एसी आरएल सर्किट है, ये देखिए ये रहा आरएल सर्किट। अब इस आरएल सर्किट में बोला जा रहा है कि यहां पर आपके सामने एक वोल्टेज लगा हुआ है, और ये जो वोल्टेज है आप लोगों का ये बेसिक, और ये करंट है आपका। तो आपसे बोला जा रहा है कि वी जो है हमारा वो लीड कर रहा है करंट से। तो लेट सपोज ये मेरा करंट है बेटा, और ये लेट सपोज ये मेरा वी है वोल्टेज, तो जाहिर सी बात है करंट लैग कर रहा होगा, ये फाई है। अब आपको बताना है पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर हर बच्चे को पता है बेटा, कॉस फाई ही होता है। तो कॉस फाई ऑफ द एंगल इज द करेक्ट द पावर फैक्टर हो जाएगा। कॉस फाई क्या हो जाएगा, हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की, तो थोड़ा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर आप बेटा रोटर के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो एक्सटर्नली घुसा करके, तो याद रखना स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, वो रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टार्टिंग टॉर्क जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे स्टार्टिंग टॉर्क क्या होने लगती है, बढ़ जाती है, इसीलिए एक्सटर्नली रोटर को हम लोग लगाते हैं। क्लियर है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नली रोटर सर्किट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने रोटर को इंसर्ट करते हैं। इसीलिए एक्सटर्नली रोटर सर्किट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने रोटर को इंसर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असिंक्रोनस मोटर चार पोल है, 50 साइकिल पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी विल रन एट। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है, सिंपल सा सवाल है, चार पोल की मशीन है और 150 साइकिल पर सेकेंड है। 50 साइकिल पर सेकेंड मतलब समझते हो, 50 साइकिल पर सेकेंड का मतलब ही होता है बेटा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 50 साइकिल पर सेकेंड का मतलब ही होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी की जगह है ना हर्ट्ज की जगह 50 साइकिल पर सेकेंड भी लिखते हैं, बट उसका मतलब यही होता है। अब आपके सामने स्पीड आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला जो कि होता है आपका 120 F/P, जहां पर बेटा आपको पता होना चाहिए 120 के बाद फ्रीक्वेंसी आपकी जो कि है 50, और पोल आपके कितने नंबर ऑफ पोल है, चार।
तो यहां से आपकी जो अगर स्पीड निकल के आ जाएगी तो वो निकल के जाएगी 1500 आरपीएम. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1500 आरपीएम. तो 1500 आरपीएम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यूज्ड इन. तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उसका प्रिंसिपल कहां यूज होता है, तो आप ही मुझे बताओ. ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है. तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो भी हमारा फ्लक्स रहता है वो सेकेंडरी से जाके लिंक करता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स और इसी वजह से आता है म्यूचुअल इंडक्शन. किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर. बाकी किसी डिवाइस के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट, रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज्ड इन. रोटरी कन्वर्टर क्या होता है? तो बेटा रोटरी कन्वर्टर को एक और चीज के नाम से दिया जाता है. रोटरी कन्वर्टर जो होता है ना आपका, रोटरी कन्वर्टर मतलब जो घूमता भी और कन्वर्ट भी करता है. तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है. सर ये होता क्या है सर, ये तो बताओ. तो रोटरी कन्वर्टर इज नथिंग बट बेटा यही आपका कम्यूटेटर है डीसी मशीन का. क्या है? कम्यूटेटर है डीसी मशीन का. तो ये बेसिकली करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जनरेटर में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है मोटर के केस में. और रोटरी कन्वर्टर क्या होता है बेटा, इसका और क्या नाम है, इसी को अपन लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं डीसी मशीन में. क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर. और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर. मैकेनिकल रेक्टिफायर. और इसको अपन लोग प्यार से मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं और ये सारे वर्ड्स भी इसके नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है? दोनों काम कर सकता है. हाँ भाई, ये दोनों काम कर सकता है. बोथ एंड बी आर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड इन. स्टार डेल्टा स्टार्टर कहां यूज करते हैं? तो आज से याद रखना, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये तीनों स्टार्टर यूज करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर. सिमिलरली टू पॉइंट स्टार्टर, थ्री पॉइंट स्टार्टर और फोर पॉइंट स्टार्टर, ये तीनों बेसिकली यूज करते हैं हम लोग कहां पे, है ना, डीसी मोटर. थ्री फेज इंडक्शन मोटर सही हो जाएगा. इन केस ऑफ स्टेयर केस लाइटिंग. स्टेयर केस मतलब समझते हो ना? हाँ सर. स्टेयर केस लाइटिंग सबने देखी है, मैं दिखा देता हूं कैसी होती है. स्टेयर केस लाइटिंग कैसी होती है, ये देखो. स्टेयर केस लाइटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको नीचे से ऊपर जाना है. अभी सीढ़ियों की बात कर रहा हूं, आपको नीचे से ऊपर जाना है. आप यहां पर खड़े हो, आपको ऊपर जाना है. तो अब सीढ़ियों पर लाइट नहीं है, तो यहां पर एक स्विच लगा दिया जाता है ताकि आप क्या करो, जैसे यहां पहुंचो तुरंत इसको खटके को चालू कर दो. तो चालू हो गया लाइट. अब आप चढ़ते 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 ऊपर पहुंच के यहां पहुंच गए. अब जब आप यहां पहुंच गए, तो वापस नीचे आओगे क्या बंद करने के लिए? नहीं. तो एक स्विच यहां लगा दिया जाता है ताकि इसको दबा दोगे तो ये बंद भी हो जाए. ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेयर केस लाइटिंग. ठीक है, तो सिंगल पोल सिंगल वे क्लियर है, है ना? सिंगल पोल क्लियर है, सिंगल पोल सिंगल वे या टू पोल टू वे. द करेक्ट आंसर है सिंगल पोल. पोल सिंगल है लेकिन टू वे स्विच है. पोल सिंगल है लेकिन टू वे स्विच है. दो वे मतलब किसी से भी ऑन किसी से भी ऑफ. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं. मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर की अगर हम बात करेंगे वो काय के लिए बनता है. तो मूविंग कॉइल का मतलब ही होता है बेटा, मूविंग कॉइल मतलब ही होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. मूविंग कॉइल का मतलब क्या होता है? मूविंग कॉइल का मतलब ही होता है बेटा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल ये होता है. तो मूविंग कॉइल मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो बेसिकली डीसी सप्लाई के लिए ही होता है. ये कभी भी एसी सप्लाई के लिए वर्क नहीं करता. एक बार सभी बच्चे सेशन को तेजी से लाइक करेंगे और लाइक करके शतक मारेंगे और शतक मारने के बाद चलेंगे अपन अंतिम क्वेश्चन के ऊपर और ये एनर्जी मेंटेन रहेंगे. 46 क्वेश्चन खत्म कर दिए भाई. 46 क्वेश्चन में से दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने, बाकी सारे बना डाला. समझे? यस सर. लाइक करेंगे जल्दी से सेशन को. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ डीसी मशीन, अगर हम एक डीसी मशीन की बात करेंगे तो मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरीली द फंक्शन ऑफ. तो बेटा मैकेनिकल लॉस जो हमेशा होते हैं, आप सभी को पता है कि मैकेनिकल लॉस जो होते हैं, मैकेनिकल लॉस जो होता है इसका करंट वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता. इसका मेनली लेना देना होता है स्पीड से. किससे लेना देना होता है बेटा? स्पीड से. तो मैकेनिकल लॉस आपके फंक्शन होते हैं किसके? स्पीड के. तो मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल लॉस जो होते हैं हमारे, है ना मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल लॉसेस होते हैं हमारे, ये बेसिकली काय के होते हैं? स्पीड के होते हैं. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई. ए प्लस बी अगर वाई है
तो इज द बुलियन फंक्शन फॉर, तो भाई दो कोड़ी का सवाल है, तो y इक्वल टू बेटा अगर y बार हो जाए, ये बुलियन फंक्शन होता है नॉट का। अगर मान लीजिए y इक्वल टू a इंटू बी है, ये बुलियन फंक्शन है एंड का, मैं सब याद करवा देता हूं, ठीक है। y इक्वल टू अगर a प्लस बी है तो ये बुलियन फंक्शन है और गेट का। y इक्वल टू ए बी का बार है, ये बुलियन फंक्शन है नेंड गेट का। y इक्वल टू ए प्लस बी का बार है, ये बुलियन फंक्शन है नॉर गेट का, ठीक है। ठीक है, y इक्वल टू ए का बी बार प्लस बी का ए बार है, ये बुलियन फंक्शन है एक्सोर गेट का। अगर मान लीजिए y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार है, तो ये बुलियन फंक्शन है एक्स नॉर गेट का। तो अब यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे बना दिए गाइस आपके सामने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज योर और गेट, दिस इज योर और गेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे बात कर लेते हैं अपन लोग, पंखा और लैंप, पंखे और लैंप एक डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कार में कनेक्ट करते हैं। तो बेटा आपके घर का पंखा, आज से याद रखना है ना, आपके घर का ये पंखा है, ये पंखा हो गया आपके घर का, हाँ सर। इसके बाद आपके घर की ट्यूबलाइट, ये आपके घर की ट्यूबलाइट हो गई। इसके बाद से बेटा आपके घर का फ्रिज, ये आपके घर का फ्रिज हो गया। इसके बाद से आपका घर का टीवी, ये आपके घर का टीवी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके घर का है ना मोबाइल का चार्जर, ये मोबाइल का चार्जर हो गया। इसके बाद आपके घर का लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन हो गई। ये सब बेटा एक ही वोल्टेज के साथ पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं, क्यों, ताकि सबके ऊपर वोल्टेज सेम पहुंचे, क्योंकि करंट की अगर हम बात करेंगे है ना तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो करंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बाकी अदरवाइज सबके लिए ये सेम ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देट शुड बी इन पैरेलल। नेक्स्ट, वॉट पावर जनरेटिंग स्टेशन नीड द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, वो कौन सा पावर स्टेशन है बेटा जिसका है ना बफर ही हो रहा है सर आज बार बार। कैसे बफरिंग हो गई बेटा, कहाँ हो रही है, टू मच बफरिंग, पॉसिबल ही नहीं। मेरे एंड पे तो कोई बफरिंग नहीं हो रही है यार, आपके एंड पे बफरिंग हो रही होगी बेटा, मेरे एंड पे कोई बफरिंग नहीं। क्या जितों के लोगों की बफरिंग हो रही है, जियो यूज कर रहे हो, हाँ सबके एंड पे बफरिंग हो रही है, एक बार बताओ जरा, अगर सबके एंड पे हो रही होगी तो मेरी मेरे एंड से दिक्कत है। अब देखो गजेंद्र के घर में तो नहीं हो रही है, प्रदीप के घर में भी नहीं हो रही है, हाँ एयरटेल में बफरिंग हो रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपके ऑपरेटर की वजह से कुछ दिक्कत हो गई होगी, अदरवाइज बफरिंग मेरे एंड से नहीं हो रही है बेटा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एंड से एक भी फ्रेम अभी तक ड्रॉप नहीं हुई है। फ्रेम मतलब समझते हो, फ्रेम मतलब ये होता है कि कहीं से भी बीच में अटका नहीं है, है ना। अदरवाइज मैं बता देता आपको, अगर बीच में ये भी अटका होता तो जीरो फ्रेम ड्रॉप है मेरी, अभी एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है अभी तक, एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, सीपीयू यूसेज मेरा 30% है, पॉसिबिलिटी नहीं है ड्रॉप होने की। चलो इधर आ जाओ, तो गाइस अगर हम बात करेंगे व्हाट पावर जनरेशन स्टेशन नीड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, बेटा सबसे कम फ्यूल किसको लगता है आप मुझे बताओ। अगर हम पानी की बात करें, पानी है ना, अगर हम पानी की बात करें, जल है ना, जल, तो पानी की अगर हम बात करेंगे तो आप समझ लो बेटा पानी के लिए इतना बड़ा टंका रिजर्वायर बनाना पड़ता है, समझ में आ रहा है, हाँ सर। देन अगर हम बात करेंगे इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोयला, तो ट्रेनों से भर भर के आता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर में यूरेनियम, तो बेटा यूरेनियम आपको पता है सबसे कम फ्यूल लगता है। यूरेनियम जो होता है वो बहुत लेस अमाउंट में ज्यादा एनर्जी डेवलप करता है, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें सबसे कम क्या देखने को मिलता है गाइज, सबसे कम फ्यूल लगता है। सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर, सिंक्रोनस मोटर किसके लिए यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर किसके लिए यूज करते हो, स्पीड बढ़ाने के लिए, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड की मोटर है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर के बारे में एक लाइन लिखवाता हूँ कि ये कांस्टेंट स्पीड की मोटर है। दूसरा, ये एक ऐसी मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पे वर्क कर सकती है, मे बी वर्क फॉर, मे बी वर्क वर्क एट, मे बी वर्क एट, ये आपका काम कर सकती है लैगिंग पे, ये आपका काम कर सकती है लीडिंग पे, ये आपका काम कर सकती है यूपीएफ पे, तो ये तीनों पे काम कर सकती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेटा क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को हम लोग यूज करते हैं एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, किसी तरह यूज करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर को हम लोग रोटेटिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं, डायनामिक कैपेसिटर भी बोलते हैं, और ये ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस की तरह काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो हर बच्चा जानता है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है, कॉपर ही है और कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, तुरंत सीधा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, तो मदर फादर चाइल्ड, तो चाइल्ड में ये वाला जो बीच वाली उंगली होती है जिसको सबसे बड़ी उंगली बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर बेसिकली ईएमएफ की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो मिडिल फिंगर होता है बेटा ईएमएफ की डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला, अंगूठा नहीं करता, अंगूठा क्या करता है मोशन, और फर्स्ट फिंगर क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट देखो,
For the same torque to be developed, power ये क्या लिखा? PE of single phase motor as compared to that of three phase motor. PE, PF है ये, sorry. हाँ, क्या बोला गया है? अगर मान लीजिए बेटा, आपके पास एक ये मोटर है, ये मोटर कैसी है? सिंगल फेज. और ये मोटर कैसी है बेटा? थ्री फेज. दोनों की टॉर्क क्या है? सेम. तो सिंगल फेज मोटर जो टॉर्क डेवलप करता है, वही मोटर की कौन डेवलप कर रहा है? थ्री फेज भी कर रहा है. ठीक है, तो आपको बताना है सेम टॉर्क के लिए मोटर पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थ्री फेज मोटर. तो आपको बताना है पावर फैक्टर अगर हमारा सिंगल फेज मोटर का ये है और पावर फैक्टर हमारा सिंगल थ्री फेज मोटर का ये है, तो आपको इन दोनों से बताना है किसका पावर फैक्टर ज्यादा है, किसका पावर फैक्टर कम है. तो बेटा एक सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? कम होता है एज कम्पेयर टू थ्री फेज पावर थ्री फेज का. क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, है ना, पावर फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पावर फैक्टर घटिया होता है सिंगल फेज का, इसीलिए सिंगल फेज को ज्यादातर कहीं यूज नहीं करते. अब थ्री फेज का पावर फैक्टर थोड़ा ठीक ठाक होता है, इसलिए थ्री फेज को हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. वीट स्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ. तो बेटा ये तो दो कोड़ी का सवाल बन गया कि एक वीट स्टोन ब्रिज को हम लोग कितने किस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. तो वीट स्टोन ब्रिज को सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि वीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसको हम लोग प्रिफर करते हैं काय के लिए बेटा, जिसको हम लोग प्रिफर करते हैं काय के लिए? रजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए. तो अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? वीट स्टोन ब्रिज. ठीक है, ओके सर. अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले, इसी क्वेश्चन में अंदर आपसे कोई पूछ ले इंपीडेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते. इंपीडेंस किसी भी चीज से मेजर नहीं होता. इंडक्टेंस के लिए क्या करते हैं? इंडक्टेंस के लिए मैक्सवेल भी अवेलेबल है, इंडक्शन के लिए एंडरसन भी अवेलेबल है, इंडक्टेंस के लिए ओवंस भी अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रिज अवेलेबल है, हेस भी है. रेजिस्टेंस के लिए बता दिया, कैपेसिटेंस के लिए कौन अवेलेबल है? तो कैपेसिटेंस के लिए शेयरिंग अवेलेबल है, और कौन सा अवेलेबल है? डी सॉर्टी. तो कैपेसिटेंस के लिए शेयरिंग भी है और डी सॉर्टी भी अवेलेबल है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं सर्किट से तो क्या प्रोड्यूस होता है? दो कोड़ी का सवाल होगा, है ना. तो आप सभी को बता बेटा, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर से सर्किट से पास करोगे तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है? थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा क्या? हाँ, थर्मल इफेक्ट कहां से आता है? आई स्क्वायर आर से. अगर ठीक है, उसके बाद ये पास करोगे तो आपको और क्या बनने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी. हाँ, तो थर्मल इफेक्ट भी होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा. जब ये दोनों हो गए तो ऑल ऑफ द वो हो जाएगा. आप बोलोगे सर केमिकल इफेक्ट कैसा होगा? केमिकल इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर गाइस इसने बोला सर्किट. अभी सर्किट तो बेसिकली जो है वो बैटरी भी हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर बैटरी का चार्जिंग. तो कुल मिलाकर केमिकल इफेक्ट भी पाया जाता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, इन द पावर फैक्टर मेजरमेंट ऑफ टू वाटमीटर मेथड रीडिंग ऑफ वन वाटमीटर विल बी जीरो इफ द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज. तो बेटा टू वाटमीटर मेथड जो कि ब्लॉन्डल्स थ्योरम ने बताया था, तो इन्होंने बोला था कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री W1 minus W2 upon W1 plus W2. अब यहां से अगर मान लीजिए एक पावर फैक्टर की रीडिंग हमारी जीरो हो जाती है, एक पावर फैक्टर की रीडिंग हमारी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. ठीक है, जीरो. तो ये गया और ये गया, तो W1 by W2 भी गया, तो 10 इनवर्स रूट थ्री आ गया. 10 इनवर्स रूट थ्री आ गया तो 10 इनवर्स कितना आ गया? 60 डिग्री. तो बेटा पावर फैक्टर जो होता है हमारा cos phi, ये हो गया 1/2, यानी कि 0.5. तो करेक्ट आंसर कितना हो जाता है बेटा? 0.5 लैगिंग इज द करेक्ट आंसर. कब है ना? 0.5 is the correct answer guys. Why? Because it is lagging in nature. ठीक है, ध्यान रखिएगा. Next, neutral point in three phase system is earthed for. बेटा एक बात बताओ, एक three phase system का neutral point को क्यों अर्थ करते हैं? न्यूट्रल पॉइंट को क्यों अर्थ करते हैं? प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीकेज करंट थ्रू द बॉडी, प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर करंट. तो बेटा जब न्यूट्रल अर्थिंग की बात कर दी गई, सॉरी इसको अर्थेड की बात कर दी गई, तो एक ही चीज है बेटा कि जब भी आपके सिस्टम में कोई एक्स्ट्रा फॉल्ट आएगा तो वो न्यूट्रल के थ्रू क्या चला जाएगा? चला जाएगा. क्लियर है सर? वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं भाई, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं बोलता रहूं आप लोगों से, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रही है वीडियो में, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. वीडियो में कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं अभी. ठीक है, वीडियो देखो एक बार, चेक करो. परफेक्ट तो है बेटा, चेक करो एक बार, एक बार रिफ्रेश करो एक बार सभी बच्चे, एक बार रिफ्रेश कर लो सभी बच्चे, एक बार रिफ्रेश कर लो सभी बच्चे. मतलब मैंने कुछ किया नहीं ऐसा, पता नहीं आपको क्यों दिक्कत आ रही है.
चलो चलो करते हैं करते हैं, चलो चलिए 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 अपन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट इन द थ्री फेस सिस्टम इज अर्थेड फॉर, तो एक थ्री फेस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट काहे के लिए करते हैं, ताकि सिस्टम में अगर अंदर कभी गलती से भी कोई फॉल्ट करंट आ जाए, सिस्टम के अंदर अगर कभी गलती से भी कोई फॉल्ट करंट आ जाए तो एटलीस्ट हम लोग बच जाए। तो सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट करंट आ जाए उससे बचने के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं सिस्टम को अर्थेड, ठीक है ध्यान रखिए। चलिए रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसफॉर्मर किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ लोड पे, पावर फैक्टर पे, या इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, या लोड हैज नो इफेक्ट ऑन रेगुलेशन। तो दो कोड़ी का सवाल है बेटा, परसेंटेज ऑफ लोड पावर फैक्टर जो होता है आपको सबको मैंने पढ़ाया है, क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट इंटू कॉस फाई प्लस माइनस रिएक्टेंस पर यूनिट इंटू साइन फाई, ये होता है बेटा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। और जब ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर यूनिट यानी कि बीच में आ जाता है पावर फैक्टर, इसलिए बेटा किस पे डिपेंड करता है, लोड के पावर फैक्टर पे, किस पे डिपेंड करता है, लोड के पावर फैक्टर पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक आर्मेचर कोर जो होता है डीसी मशीन का ये किस चीज से बनाया जाता है, एक आर्मेचर कोर जो होता है डीसी मशीन का ये किस चीज से बनाया जाता है, सॉलिड, नहीं भैया कोर हमेशा लेमिनेट ही किया जाता है, कोर हमेशा लेमिनेट ही किया जाता है, क्यों, उसका कारण है, चाहे कोर ट्रांसफार्मर का हो, चाहे कोर इंडक्शन मोटर का हो, चाहे कोर आपका क्या हो, है ना, चाहे कोर इंडक्शन मोटर का हो, चाहे कोर ट्रांसफार्मर का हो, चाहे कोर आपका किसी का भी हो, हमेशा बेटा चाहे सिंक्रोनस मोटर का हो, इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा हम लोग लेमिनेट ही करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा इसके लेमिनेशन से बेसिकली हमारा क्या देखने को मिलता है, तो हमारा आर्मेचर कोर का अगर हम लोग लेमिनेशन करते हैं तो बेसिकली आर्मेचर कोर के लेमिनेशन से एडी करंट लॉस कम होते हैं। कुछ गधे बोल रहे हैं हिस्टेरिसिस लॉस, अरे लेमिनेशन से केवल एडी करंट लॉस कम होते हैं ना, ये जो काय को करते हो रे, कितनी बार समझाया, एडी करंट लॉस से केवल लेमिनेशन से केवल एडी करंट लॉस कम होते हैं, हिस्टेरिसिस नहीं होते हैं। अब डिलीट मारोगे है ना, पढ़ लिया मैंने नाम, पढ़ लिया मेरे नाम, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ मीटर आर यूज्ड, तो पीएमएमसी काहे के लिए यूज करते हैं, पूरे पेपर का तीसरा क्वेश्चन है पीएमएमसी के ऊपर, तो याद रखना पीएमएमसी बेसिकली यूज करते हैं फॉर एसी डीसी नहीं, फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी क्वांटिटीज अलोन, सिर्फ डीसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टंगस्टन फिलामेंट लैम्प आर फिल्ड विद, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को कैसे फिल करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन गैस, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो कभी नहीं भरते, नाइट्रोजन और ऑर्गन, या हीलियम और ऑक्सीजन, बताइए जल्दी फटाफट कैसे भरोगे। तो हीलियम तो हमने सुना था भैया कि हीलियम थोड़ा सा डालते हैं, अब क्या ऑक्सीजन भी डालते हैं, पहली बात, दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डालते हैं, तो नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है, या आर्गन गैस क्यों डालते हैं, जल्दी बोलो, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस, तो कह दो हीलियम नहीं डालते, थोड़ी सी आर्गन गैस और हल्की सी मिक्सचर में डालते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है। नॉर्मली क्या डालते हैं, नॉर्मली हमारा जो मेन है वो आर्गन ही है, हीलियम नहीं, आर्गन ही डालते हैं, और उसके साथ एक हल्का सा मिक्सचर में क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन, O2 नहीं डालते कभी भी, ऑक्सीजन मत डाल देना, केवल इंसानों के काम का है और किसी के काम का नहीं। चलिए अब देखो बेटा, दो रजिस्टर हैं 10 ओम के, दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं अनदर 10 ओम से रजिस्टर से, तो टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, तो ये बोल रहा है दो रजिस्टेंस है 10 ओम के, इन दोनों को काय में लगा दिया बेटा हमने, पैरेलल में लगा दिया, और इन्हीं के साथ हमने सीरीज में क्या लगा दिया, एक रजिस्टर और लगा दिया। जब हमने सीरीज में एक रजिस्टर और लगा दिया तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये आपका 10 ओम से, ये आपका 10 ओम से, और ये भी आपका 10 ओम से, तो बेटा यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करने जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल के आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 और 10 पैरेलल में, 10 पैरेलल 10 प्लस 10, ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 5 प्लस 10 यानी कि 15 ओम। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15 ओम, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 ऑप्शन में हो तो लगा दे फटाफट। बहुत बढ़िया, पोर्सिलेन इंसुलेटर को ग्लेज्ड क्यों करते हैं, ये मेरी क्लास के क्वेश्चन है बेटा सबके सब, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube की क्लास देखी हो तो मैं तो यही बोलता हूँ बेटा, मेरे को फर्स्ट रैंक क्यों नहीं ले आते हो पेपर में, फर्स्ट रैंक क्यों नहीं ले आते हो आप मुझे बताओ, टोटल 75 क्वेश्चन है, ऊपर से लेके नीचे तक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको आज तक नहीं पढ़ाए, तो फर्स्ट रैंक क्यों नहीं लेके आ जाते हो इन सारे पेपरों के अंदर, आप मुझे बताओ क्या फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती आपकी, ऐसा लाऊंगा कि सर फर्स्ट रैंक लाया सर, मैं फर्स्ट रैंक लाई सर, मैं फर्स्ट रैंक लाओ यार। तो पोर्सिलेन इंसुलेटर ग्लेज क्यों करते हैं, कितनी बार बताया, हजार बार बताया, डायग्राम बना बना के बताया,
कि पोर्सिलिन इंसुलेटर होता है, चिकना बनाते हैं, ग्लेजिंग कैसे करते हैं, स्टीयरटाइट से करते हैं ताकि कोई भी चीज टपकेगी तो फिसल के नीचे गिर जाएगी, तो वाटर टू ग्लाइड डाउन स्लोली, पानी नीचे गिर जाए, इंप्रूव करने के लिए, क्या इंप्रूव करने के लिए, भाग यहां से, टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर, तो करंट आंसर क्या हो जाएगा, अब ये वाला और ये वाला में ज्यादा बेस्ट कौन सा है, ये वाला, ताकि प्रिवेंट करे कोई भी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्प्शन गैसेस का भी और वाटर वेपर का भी, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते पेपर में, तो ये क्या है फिर, ये पेपर नहीं है ये, मैं ना अभी है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते ना पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं अभी 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 रितिका, मैं सब इंजीनियर का पेपर खोल दूं यहाँ पे, मेरे पास पढ़ा हुआ है, ऐसे ही पेपर है वो भी, ऐसे ही पेपर है वो भी, सब इंजीनियर का पेपर देके आया होगा कि रिसेंटली, मैं आपको ओपन कर देता हूं, ऐसे ही पेपर है, सेम टू सेम ऐसे ही लेवल का पेपर है, 90 क्वेश्चन ऐसे टेस्ट बनेंगे तुमसे 100 में से, चलो आप लोग पता नहीं पेपर देते देते कहां पहुंच जाते हो। चलो एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या ड्रॉ करता है, तो अगर हम बात करेंगे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या ड्रॉ करता है, तो अब देख के समझ में आ रहा है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर मतलब क्या हो गया बेटा, है ना, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर मतलब क्या हो गया, तो मोहित सर की बातें याद आई, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर मतलब अंदर बाल्टी भरी हुई है, अंदर बाल्टी भरी हुई है मतलब अंदर फ्लक्स ज्यादा है, अंदर फ्लक्स ज्यादा है तो वो क्या करेगा बेटा, ये काम करेगा किसी तरह, लीडिंग की तरह, किसकी तरह काम करेगा, लीडिंग की तरह, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हमेशा कौन से पार्ट पे काम करता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे, हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर एक ट्रांसफार्मर ऑयल की हम बात करें, है ना, इज कूल्ड यूजिंग फैन ब्लोइंग द एयर थ्रू द रेडिएटर ट्यूब, द नेम ऑफ दैट कंटेनर, अब ये जो नाम लिखे इनका क्या मतलब होता है बताता हूँ, इसका नाम है ओएन, ओएन मतलब होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ओएन ओएफ एएफ मतलब होता है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स या फिर ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल, तो आपको बोला क्या जा रहा है, यदि किसी ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर ट्यूब, ऑयल के रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से वायु प्रवाह करने वाले पंखे, जब इसने ये लिख दिया ना बेटा पंखा, कहां लिख दिया पंखा, पंखा लिख दिया, इसका मतलब एयर जो हो गई वो कौन सी हो गई, अब नेचुरल एयर नहीं है, नेचुरल एयर आपके घर में जब आप बैठे हुए हो, आपके घर में जब आप बैठे हुए हो तो आपके घर में अगर पंखा नहीं चल रहा तो आपके घर में जो एयर है वो नेचुरल एयर है, लेकिन जब पंखा चलता है तो एयर फोर्स्ड हो जाती है, और एयर फोर्स्ड हो जाती है तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे कहीं पर भी ये लिखा है कि तेल को प्रेशराइज्ड मारा जा रहा है, नहीं, यहाँ लिखा है ऑयल इज कूल्ड यूजिंग अ फैन, ऑयल कूलिंग की जा रही है, तो भैया ये ऑयल नेचुरल वाला ऑयल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल नेचुरल एंड एयर फोर्स्ड, दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, ऑयल नेचुरल एंड एयर फोर्स्ड। नेक्स्ट, वॉट शुड बी अप्लाइड ऑन टूल टू अवॉइड रस्ट इन रेनी सीजन, बेटा जो आपके है ना टूल होते हैं, टूल मतलब क्या होता है, कैंची, प्लास, प्लायर, कटर, ड्रिल मशीन, इन सब में क्या लगाया जाता है रेनी सीजन में, रेनी सीजन मतलब बारिश के दौरान, ताकि इनके ऊपर जंग ना लगे, इन सब पे क्या लगाया जाता है ताकि इन पे जंग ना लगे, तो आप लोग देखना बेटा जब भी आपके घर में के आसपास कुछ काम वगैरह होता रहता है तो ये लोग एक डिब्बी में लेके आते हैं, तो पानी लगाएंगे क्या, अबे पानी लगाना होता तो दूध चढ़ाएंगे क्या उसके ऊपर, कैसे ऑप्शन है, ये दोनों तो हटा दो पहले के पहले, तेल कुछ जैसी चीजें लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, खाना खाने वाला तेल, देखा कभी पूछा किसी ने कि खाना खाने वाले तेल में डुबा दो, इस पे क्या लगाया जाता है बेटा, ग्रीस लगाया जाता है, इस पे क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन का, अगर आपको नहीं भी पता हो तो, कि पानी और दूध कभी नहीं लगाएंगे, इंसान अपने ऊपर ही नहीं लगाता तो भाई उस पे क्या लगाएगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर इज बेसिकली यूज टू मेजर, मेगर क्या मेजर करने के काम आता है, तो आप सभी को पता है बेटा मेगर एक ही चीज मेजर करता है और वो क्या है बेटा आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्या मेजर करता है, मेगर आपका यूज करा जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर को उपयोग करते हैं। सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक करके 120 क्रॉस करेंगे और एक बार दिल से बताएंगे कैसा लगा तुमको आज का पेपर, कैसा लगा तुमको, मुझे पता कुछ लोगों को आसान लगा होगा लेकिन मेरा इंपॉर्टेंस है कि मैं आज एक पूरा का पूरा पेपर ही आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है, और मैं ये देखना चाहता था कि जो एग्जाम में पेपर आते हैं वो बेसिकली ऐसे ही आते हैं जो सबसे बच जाए, अब इसमें एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज जब हो जाते हैं ना तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, है ना, सरसों का तेल लगाते हैं, कभी देखा क्या सरसों का तेल लगाते हुए, बहुत दिनों के बाद आपको बैठा देखा, अच्छा अभी खड़ा हो जाऊंगा 5 बजे, चिंता मत कर, ठीक है, चलो चलिए आ जाइए, अब यहां पे देखेंगे बेटा इसके बाद
इन अ थ्री फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर द रोटर हैज, एक थ्री फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर क्या होता है, तो स्लिपरिंग लिख दिया ना, तो रोटर क्या होता है, सॉलिड बार होते हैं क्या, सॉलिड स्ट्रिप होती है क्या, नहीं, रोटर की साक्षात स्लिपरिंग वाले में स्लॉट्स के फॉर्म में बाइंडिंग होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेगुलर थ्री फेज बाइंडिंग ओपन या रेगुलर थ्री फेज बाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार, तो रेगुलर थ्री फेज बाइंडिंग होती है बेटा जो स्टार में कनेक्ट होती है। सर स्टार में क्यों कनेक्ट करते हैं, स्टार में इसलिए करते हैं ताकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ला करके जोड़ दिया जाए, आपने देखा है ना, तो इसलिए याद रखना एक स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ला करके जोड़ दिया जाता है, इसलिए बाइंडिंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट स्टार में होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5S इज अ सिस्टम यूज्ड, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, ये ऊपर से लेकर नीचे तक के मैं अभी तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपसे कभी डिस्कस नहीं किया, क्या क्या 5S एक क्या सिस्टम है, 5S सिस्टम कुछ नहीं होता बेटा, फिफ्थ सिक्योरिटी सिस्टम बोलता है और इसका नाम ही सिक्योरिटी, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रैक्टिस में, नहीं इसको हम यूज करते हैं हाउसकीपिंग प्रैक्टिस में, कहाँ यूज करते हैं हाउसकीपिंग प्रैक्टिस। तो अगर कल को आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करोगे, राइट, कल को अगर आपने देखना किसी होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे से पूछना तो वो आपको बता देगा 5S सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। तो जो होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे होते हैं उनको एक सब्जेक्ट के अंदर ना होटल के अंदर की सिक्योरिटी और होटल के अंदर की बाकी सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती है, ठीक है, होटल के अंदर की सिक्योरिटी, होटल के अंदर किस तरीके से काम करना, हाउसकीपिंग क्या होता है, ये क्या होता है, 5S सिक्योरिटी बोलते हैं इसको, 5S फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली सिखाया जाता है उनको, और जब ये बेसिकली सिखाया जाता है उनको तो याद रखना उनसे ये पूछोगे तो बता देंगे तुरंत 5S क्या होता है, दैट इज फॉर हाउसकीपिंग, और ये मोस्टली हमारे होटल्स में और कमर्शियल बिल्डिंग्स में होता है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हाउसकीपिंग इंसान खुद ही कर लेता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको बताता हूँ पूरे भारत देश में किसी से भी नहीं बनेगा क्योंकि एकदम नया क्वेश्चन है, राइट। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे थे जो जिनको हमने कभी देखे ही नहीं है। Which DC motor has got the maximum self-loading property? एक ऐसी मोटर जिसकी सबसे ज्यादा self-loading property होती है, ये basically guys मैंने आपको आज से ये basically मैंने आपको आज से 10 दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया है, सबसे ज्यादा self-loading property किसके पास होती है, और ये क्वेश्चन मैंने और भी जगह करवाया है, जब मैं बैच में आप लोगों को SSC JEE की स्पेशल 33 क्लास ले जाता वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको कि बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, तो वो एक ही के पास होती है, वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर वो मोटर होती है जिसके पास सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा, जो खुद को ही अपने आप को लोड मानने लगती है, ऐसा नहीं जिसपे सबसे ज्यादा लोड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। जब सोडियम वेपर लैंप डिस्चार्ज होता है इज फर्स्ट स्विच ऑन इट्स कलर, तो बेटा सोडियम वेपर लैंप मतलब स्ट्रीट लाइट जब चालू होती है तब जब कलर होता है उसके अंदर, तो बेटा कौन सा कलर देखने को मिलता है, रेड। फिर वो धीरे धीरे जो लाल रंग देखने को मिलता है ना, वो धीरे धीरे लाल रंग कन्वर्ट होने लगता है किसके अंदर, येलो रंग के अंदर। तो जब लाल रंग जो शुरुआत में दिखता है वो बाद में कन्वर्ट होने लगता है किसके अंदर, है ना, हल्का हल्का येलो रंग के अंदर। अदरवाइज उसका जो शुरुआत में जो करंट है, उसका जो शुरुआत में जो करंट है बेसिकली वो कितना होता है बेटा, रेड ही होता है। नेक्स्ट, द RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 10 एम्पियर, इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर करंट इज, तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर की बात अगर मैं करूं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, तो उसकी जो RMS वैल्यू होती है वो होती है बेटा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू, क्या सॉरी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टू, मैं कर देता हूँ ना, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टू, तो मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टू होती है। अब ये कितना दिया है गाइस आपको, 10 दिया है, तो 10 दिया है तो ये IM बाय टू हो जाएगा, और IM बाय अगर टू हो जाएगा तो यहाँ से IM की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20 एम्पियर। अब अगर हम इसके बाद की बात करेंगे तो हमारी बात इसके बाद आती है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेम यही कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी बेटा, IM बाय रूट टू, तो IM बाय रूट टू हो जाएगा, तो IM हमारा 20 है डिवाइडेड बाय रूट टू है, तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 20 × 10, और 20 × 10 डिवाइडेड बाय रूट टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 10√2, 10√2 यानी कि कितना हो जाता है 14.14 इज द करेक्ट आंसर, 10√2 यानी कि 14.14 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, रिसेंटली ये क्वेश्चन मैंने अभी YouTube पे करवाया है 5 बजे वाली क्लास में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि ओम्स लॉ बेसिकली किस किस के बीच में रिलेशनशिप देता है। तो ओम्स लॉ बेटा रिलेशन देता है वोल्टेज के बीच में, करंट के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है, और ओम्स का जो नियम है वो है IV = IR, अप्लाइड वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस एंड करंट, खत्म। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द कंडक्टर करंट कैरिंग इज सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन सर्कल, इसको डिस्कवर किसने किया था, अरे अंत करा है 1820 के हंस क्रिश्चियन फॉरस्टेड लॉ के द्वारा, इसको पेपर के अंदर
हंस क्रिश्चियन ओरिएंटेड लॉ आया था भैया, और क्या बोला गया था, अगर एक करंट कंडक्टर कैरी करता तो उसके आसपास सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, तो आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हंस क्रिश्चियन ओरिएंटेड, जिन्होंने कर दिया था बेटा 1820 में। तो 1820 में हंस साहब ने, है ना, ये जर्मन के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, और इनका पूरा नाम था हंस क्रिश्चियन ओरिएंटेड, पूरा नाम कोई जानता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, हंस क्रिश्चियन ओरिएंटेड थे, मेरे बहुत ही फेवरेट लॉ है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इसी लॉ के बाद ही हम लोग मशीन्स को डेवलप कर पाए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब आप देखो बेटा, ये देखो, अब मेरी बात सुनना, 75 क्वेश्चन में से मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ 72 क्वेश्चन आप करके आ सकते थे, 72 नहीं तो 71 कर आ सकते थे, 71 क्वेश्चन आप सही सही करके आ सकते थे, वो भी कितनी देर में पता है, मात्र 1 से 1.25 घंटे में, मात्र 1 से 1.25 घंटे में। ये पेपर आपका 2 घंटे का है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें जनरल स्टडीज का पार्ट है, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, अब ये तो मुझे नहीं आते तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर मैं भी करने लग जाऊं इसको तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर लूंगा। तो अगर मैं खुद भी जनरल स्टडीज से 25 में से 10 भी ले आया, और इधर से अगर मैं मान लो 71 भी ले आया 75 में से, टोटल स्कोर मेरा 81 था, और लास्ट टाइम 81 वाला बच्चा सिलेक्टेड था। नो प्रियंका, ठीक है, तो आप बेटा कर सकते हो, हमेशा ये ध्यान रखो, बस आप लोगों के अंदर वो जिल पावर होना चाहिए, वो मेंटल टेम्परमेंट होना चाहिए। सोचो मैं आपको 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और 1.5 घंटे में इतनी बातें किया, इतना सब कुछ किया, तब जाकर के भी मैं पूरा पेपर आपके सामने कर रहा हूं, है ना, लेकिन एटलीस्ट आप लोग तो इसको कर ही सकते हो। अगर मैं बात नहीं करता तो ये 1.5 घंटे का ही पेपर है मुश्किल से, नेगेटिव नहीं रहता दीपक भाई, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं सभी को मैंने आपके सामने आज पेपर सॉल्व करवाया, और यही मेरी एक सोच थी कि मैं पूरा करवा पाऊं, इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो सब करवा पाऊं, ठीक है, और ये आप लोगों को हेल्प करे। तो आज का मैराथन सेशन हमारा पूरा का पूरा इसी के ऊपर था, ठीक है। अब इसके बाद एक जरा बात सुन लेना, जो बच्चे बेटा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC की तैयारी करना चाहते हैं, बी वाले बच्चे, उनके लिए आज शाम को 5 बजे से मैराथन है मेरा, जिस मैराथन में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं क्लास लूंगा, सुन लेना मेरी बात, इलेक्ट्रोस्टेट्स की, किसकी, इलेक्ट्रोस्टेट्स की, समझ में आ गई बात, ओके। दूसरी बात सुनो, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, कौन से वाले, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, मतलब जो आपको डिप्लोमा वाले बच्चे, वो भी आज मेरी ATC की क्लास में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रहना, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेसिक फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टेट्स के। तो जो बच्चा DRDO, MP सब इंजीनियर, MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, या इन सारे एग्जाम्स की जो भी तैयारी करना चाहता है, वो सारे बच्चे, है ना, वो साइंस निकिता महा ट्रांसको के क्वेश्चन करा रहा था, वो सारे बच्चे जो है शाम को 5 से 7 रहना ATC की क्लास में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं क्या, इलेक्ट्रोस्टेट्स का पार्ट, ठीक है। ITI डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, अबे फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन जो ITI डिप्लोमा के पेपर में आएगा वो आज पढ़ाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं, तो सब अवेलेबल रहना। निकिता बार बार महाजनको की बात करी, निकिता रोज बेटा महाजनको की क्लास चलती है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और ये क्लास भी महाजनको की थी, बट महाजनको की क्लास के ऊपर कभी भी महाजनको लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि YouTube बोलता है कि आप 4 अक्षर ही लिख सकते हो, 4 से ज्यादा लिख नहीं सकते, इसलिए हम लिख नहीं पाते, ठीक है। चलिए, सो अब आपको बढ़िया तरीके से टेलीग्राम चैनल दे देता हूँ सभी बच्चों को, तो बढ़िया तरीके से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से। बहुत बढ़िया विशाखा, गुड। मोहित के कूपन कोड यूज किया कि नहीं, तो ये मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया बेटा, गुड, ये मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया, बढ़िया तरीके से इसको ज्वाइन कर लें, और बढ़िया तरीके से इससे हम लोग फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है, याद से रखना बेटा शाम को 5 बजे सभी बच्चे, ठीक है। चलो, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।